मैंने पिछले क्लास में तुमको बताया था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया था। मैं चूँकि हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा तुम लोग को। प्रत्येक दिन बोला जाएगा इस चीज़ के बारे में कि इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडिया 16 नंबर देखते रहो। उसमें हम लोगों ने मेजर आइडियाज इनलाइटमेंट का किया था, जिसमें कांत का बात हुआ था, इमैनुअल कांत का बात हुआ था, रूसो के बारे में बात हुआ था और किस तरह स्प्रेड हुए थे इनलाइटमेंट कॉलोनीज में। और इसमें हम लोगों ने रसिया का बहुत सारे किंग के बारे में देखा था, प्रिंसेस के बारे में देखा था। सोशलिस्ट आइडियाज़ में हम लोगों ने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ा था रूसो साहब का, और ये आगे जाकर मार्क्सिज्म सोशलिज्म में किस तरह परिवर्तन होता है आने वाले समय में देखेंगे। जहाँ तक 17 नंबर का बात है, इसमें मॉडर्न पॉलिटिक्स का बात है, इसमें यूरोपियन स्टेट सिस्टम अभी नहीं जानेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं डेट इज़ योर अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं जो पढ़ना है। देखो, चूंकि तुम लोग को बताया गया कि 13 कॉलोनीज के बारे में अच्छे से याद करना, ये जेनेसिस है US बनने का, तो मैं दोहराना चाहूँगा ये फिगर बहुत बहुत, ठीक है, ये फिगर को रखो। जैसे इंडिया का फिगर पता है तुम लोग को बढ़िया से, इसको भी पता होना चाहिए। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, दिलवाड़े, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। अब उधर देखेंगे न्यू जर्सी को, उस साइड देखेंगे तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, पेनिसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, और यहाँ से यदि हम बड़ा माउंटेन खींचे तो एपलेचियन माउंटेन नज़र आता है हमको, जो कि ज्योग्राफी में भी बहुत सारा चीज़ पढ़ाया गया, चीनुक उनुक के बारे में पढ़ाया गया था, जिसके बारे में जिक्र था बहुत बहुत, उतना तुम लोग को नहीं पता था, ठीक है। आगे देखो, तो इसी में आगे भी देखोगे मैप में तो इसमें बताए थे मिडल कॉलोनीज क्या है, सदर्न कॉलोनीज क्या है एंड सो ऑन। इसमें अभी प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट का जो तुम्हारा जो 15 स्टेट्स है, ये जब सिविल वार करेंगे तब इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। क्यों? क्योंकि सदर्न वाले जो एरियाज थे, सदर्न वाले स्टेट्स जो निकल गए थे, तो उस समय एकदम एक एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए कौन से थे वो। आगे बढ़ जाओ, तो हाँ, इसमें कैसे स्टार्ट हुआ तो जानते हो तुम, है ना, उसका खाली ऊपर मर्केंटलिज्म पॉलिसी भी जानते हो तुम, नेविगेशन एक्ट्स के बारे में जान रहे हो, मॉलेसिस एक्ट, ट्रेड एक्ट्स, उसके बाद 7 ईयर का वार जो हुआ था, कैसे कॉन्फिडेंस दिया अमेरिकन, एबिलिचन माउंटेंस देख लो, ये देख लो। उसके बाद ग्रेमल मेजर्स था, उसी में एबिलिचन रेगुलेशंस था, सुगर एक्ट था, स्टैंप एक्ट, कोटनरी एक्ट, कोटनरी एक्ट मतलब क्या, कंपलसरी है आपको देना ही होगा, कॉलोनीज को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना होगा इंग्लिश ट्रिप्स को। उसका ग्रेमल मेजर्स उसी के टाइम में तुम्हारे ऊपर में किंग दूसरे कोई थे, ये किंग थे, बगावत हो गया, ये तुम्हारे उस समय PM थे, इनके टाइम में ही नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया गया। तो अभी तो तुम लोगों को पता नहीं कि नारा किसने दिया है, पता चल जाएगा तुम लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल में। उसका टाउनसेंड लॉस था, नहीं देखते रहो वहाँ पे, नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है किसी को। चार्ल्स टाउनसेंड जो फाइनेंस मिनिस्टर था उस समय का, इसने अलग से जो टैक्सेस लगा, फ्रेस टैक्स लगा दिया था ग्लास पेपर पे, तो कितना बगावत हुआ, बोस्टन मासाकार हुआ, उसका बोस्टन टी पार्टी हुआ, जानते हो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ये सब भूमिका आगे गया है, फिर 2 हुआ है, फिर एक लास्ट पिटिशन देने का प्रयास किया गया था, फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे थॉमस पेन का भी रोल था, है ना, एंड सो ऑन। फर्स्ट बैटल हुआ, सेकेंड बैटल हुआ, फिर इस तरह इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट देखे हम लोग एंड सो ऑन। हाँ, इसमें उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कुछ जो जो भी थे इवेंट थे उसको हमने समराइज करके कलम में रखने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने मेंस का भी चीज़ देखा, उसके बाद सभी चीज़ जो बताए हैं वो सब चीज़ हम बता चुके हैं तुम लोग को। हाइब्रिड कल्चर थे इसलिए बहुत आगे बढ़ गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जो जो चीज़ उसमें नहीं था वो सब चीज़ मैंने इसमें डाल दिया था। तो जाहिर सी बात है अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे एक विथ न्यू टॉपिक्स, विथ न्यू एकदम डिफरेंट, इसलिए मैं ठहराव लाऊंगा अपनी आवाज़ में, आराम से समझते जाओ तुम चीज़ों को, ठीक है ना, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं हो गया, यहाँ से बहुत सुंदर से मिलाएंगे। देखो, पहुँच गए जहाँ पहुँचना था हमें, कितना पेज हुआ देखो ज़रा, हाँ तो 52 पेज से शुरू करते हैं। देखो, मात्र 20 मिनट का हुआ था वीडियो वाला, यही है कि पहले आपको जब ज्ञान रहता है उसको आप खींच सकते हैं तेज़ी से, और पढ़ते वक्त रिविज़न था ना, वो सब रिविज़न इस लेवल पर क्विकनेस होना चाहिए। और देखो आज उससे भी आसान तरीके से 5 मिनट में हो गया। अब देखो यहाँ फटेगा तुम लोग का, देखो फटेगा क्या, यहाँ पे वही सब चीज़ है, उसको थोड़ा विस्तार रूप से है, उसको थोड़ा सा और जूम करके समझना होगा। अब ये पहले समझो कि एज यूजुअल तुम लोग जानते हो बच्चे लोग जो भी आए हो कि रिनान्सस है ना, रिनान्सस चला, एज ऑफ इनलाइटमेंट चला, है ना, ये 17 और 18 सेंचुरी को इनलाइटमेंट एज कहा जाता है, तुम लोग सब जानते हो इसके बारे में। देखो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, अब देखो ये चीज़ क्या है, ये हम पढ़ाने से पहले क्या करते थे, बच्चे लोग को ओवरव्यू देते थे, इधर देखो, हिस्ट्री इज़ डिफरेंट, हिस्ट्री ऑप्शनल इज़ डिफरेंट,
मैं बार बार बोला हूँ, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है कॉपी में, पॉइंट, अनलाइक माइंड मैप। तो ये जो तुम फर्स्ट पेज देखोगे अभी जो तुम, क्योंकि पहली बार मेरा नोट्स देख रहे हो, इससे पहले दूसरा नोट्स था, क्योंकि वहाँ मेरा एंट्री हुआ था तो हमको दो दिन का पेज दूसरा का चाहिए था पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस हम उतना प्रिपेयर नहीं थे। अब हम अपना नोट्स लिख रहे हैं, वन नोट्स से पहले क्या कर रहे हैं कि जो हम उस दिन पढ़ाने वाले हैं, बता रहा हूँ तुमको समझ में आएगा, जो उस दिन मैं बताने वाला हूँ ढाई घंटे में, तीन घंटे में, ढाई घंटे का क्लास होता है ऑप्शनल का, मैं बता देता हूँ तुमको, ऑप्शनल का ढाई घंटे का क्लास होता है, ढाई घंटे बोला जाता है, मैं इफेक्टिवली दो घंटे का क्लास होता है इफेक्टिवली, ठीक है। और जिस तरह ही पढ़ा रहा हूँ तो बाबू सोचो कि एक घंटा उसके बराबर है, क्यों, लिखाना पड़ता था उसमें, डिक्टेट करना पड़ता था, बोर्ड में बताना पड़ता बहुत सारा चीज़। इस तरह टेक्नोलॉजी तो वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, कर सकता था कोई मगर किसी का वो दिमाग में वो नहीं था उस समय, ठीक है। और क्योंकि एक होता है क्राउड ज़्यादा भी है, अलग कर सकता है टीचर चाहे, टीचर चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना कन्वीनियंट के लिए। और दिक्कत है कि विद्यार्थी का भी होना चाहिए, विद्यार्थी बोलेगा सर हमको क्लास में नोट दीजिए, और विद्यार्थी आया भी है तो अपना टाइम लेके आया है, हड़बड़ी नहीं है उसको, और सेट यहाँ भी पहुँचने में हम लोगों ने कितना समय व्यतीत किया है, तब यहाँ पर जाकर पहुँचे, एक दिन में तो नहीं पहुँचे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी मेरा मैच हुआ तुम लोग से, तब जाके तुम बोला कि हाँ, आने तो शुरू से ही ऐसा पढ़ाते तो आई डोंट थिंक तुम लोग सर्वाइव कर पाता, यही चीज़ होता है अनुभव बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि जो तुम पहला और सेकंड पेज देखेगा मैं नोट्स का, कान खोल के सुनना बाबू, बाद में यही नोट्स से तुम लोग का रेफरेंस होगा, तो कभी पहला पेज और सेकंड पेज कभी लिखना नहीं तुम लोग कॉपी में, यदि तुम लोग हिस्ट्री ऑप्शन बना रहे हो तो कभी नहीं लिखना, क्योंकि ये चीज़ हम रिपीट करेंगे बाद में, ये बताते देखो पहला और सेकेंड जो पेज होगा मोस्ट ऑफ द पेज उसमें हम ओवरव्यू बताते थे बच्चे लोग को कि देखो ये पढ़ने वाले हैं ऐसे ऐसे ऐसे, एक तरह से हिस्ट्री ऑप्शनल का अलग तरीके से माइंड मैप, फुल माइंड मैप नहीं, हल्का छोटा छोटा पॉइंट, देखो ऐसा है ये हुआ, ऐसे ऐसा रीजन है छोटा छोटा छोटा, अब माइंड तैयार है अब पढ़ेंगे, अब उसको हल्का बोर्ड में बता के डिक्टेट करवा देते हैं। और देखो होता क्या है कि नोट्स बन जाते हैं ना तुम्हारे पास रिसोर्सेस हो जाता है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये कर सकते हो, मगर पहले तुम लोग हमारा पूरा स्पीच सुन लोगे तो तुम लोग जो हाईलाइट बनाओगे शुरू में वो इससे भी बेटर बना सकते हो, ये बात समझ लेना उससे, क्योंकि उसके बाद में तो और ज़्यादा समझ जाओगे, ये तो तुम्हारे दिमाग तैयार कराने के लिए है। तो देखो मैं शुरू करता हूँ, देखो ये देखो अच्छे से देखना बच्चे लोग, अब इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो अब देखो यदि मैं US का मैप इस तरह बनाऊँ, ठीक है, नीचे मैक्सिको है, उधर अलास्का है, उधर कनाडा है, ऊपर नीचे US से है, समझ में आया, AC और ये मैक्सिको का क्या रेफरेंस है जो अभी का, तो 13 कॉलोनीज जानते हो अटलांटिक कोस्ट में हुआ था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 13 कॉलोनीज तुम्हारा ब्रिटिश कॉलोनीज है, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट ऑफ फिलिपाइन द्वीप, बताओ तुम लोग को आराम से पता चल गया ये चीज़, क्योंकि ऐसा तो वहाँ नहीं पढ़ाते थे, ये नया चीज़ है उन लोग के लिए, तो इसलिए जो चीज़ पढ़े हो वो सभी चीज़ आ जाएगा इसमें। और क्या जानते हो कि यूरोपियन यहाँ पे सेटल्स हो गए थे यूरोप से, क्योंकि एज ऑफ इनलाइटमेंट हो गया था। आप देखो जो बाबू तुम लोग को जो फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी है उसका एक्चुअल नेम क्या था, जेम्स टाउन था उसका एक्चुअल नेम, जो कि तुम्हारा रिवर जेम्स के ऊपर बसा हुआ था, और जो कि वहाँ पे याद करो तुम लोग को जब हिस्ट्री का मेंस का पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे क्या लिखाए थे हम कि पहला कॉलोनी क्या था, जॉर्जिया, याद है तुम लोग को जॉर्जिया, तो यही चीज़ है कि बाद में जॉर्जिया बन गया, यही होप सो समझ में आ रहा होगा। देखो यही देखो 1607 ही लिखा था वास्तव में, जाकर एक बार रिविजिट करो तो वो नोट्स को रिविजिट करो तो नोट्स को यहीं पे इसी में है, जाकर विजिट करो, ये तुम्हारा माइंड मैप में होगा चाणक्य का नोट्स का, जाकर रिविजिट करो, और उसमें भी 1607 का होगा और उसमें जॉर्जिया लिखे होंगे, जाओ जल्दी विजिट करो, शुरू में ही करो चाणक्य का नोट्स का माइंड मैप में है, यू हैव टू टैली ना, टैली करना होगा ना, कैसे डिफरेंट हो जाता है ऑप्शनल। वर्जीनिया है, हाँ सॉरी, देखो कितना बढ़िया बात है तुमने करेक्ट कर दिया, हमको हमको जॉर्जिया लग रहा था, नहीं वर्जीनिया है, ठीक है, देखो इसलिए तो बोलते हैं गो एंड चेक, यही जेम्स, ये जेम्स टाउन ही तुम्हारा जाके बाद में वर्जीनिया ही कोर बना है, ठीक है, होप से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जेम्स है, रिवर्स है वहाँ पर, रिवर्स है वर्जीनिया में, एक रिवर्स है उसके ऊपर तट पर बैठा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते थे हम, जेम्स टाउन है ये, होप्स समझ में आ गया तुम लोग को। अब देखो तुम लोग बच्चे लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि देखो
1750 में आस्ते आस्ते कॉलोनी सेटल हो गया था पहले वाला माइंड में। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को एक नया चीज़ है कि यहाँ पे लोग सब कैसे किस टाइप के रहते थे, किस टाइप के लोग सब बसते थे। देखो तीन टाइप के ह्यूमन बींग्स थे वहाँ पे। एक थे ग्रुप ऑफ ब्लैक्स जो स्लेव्स का दर्जा दिया गया, जिसको ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता था। दुर्भाग्य की बात है क्योंकि इसके ऊपर कितना फाइट हुआ है, अभी तक तुम्हारा फाइट है यूएस में देखोगे तो। दूसरा जो ग्रुप था वो रेड इंडियंस था जो कि कैरिबियन के आसपास बसा हुआ था। कैरिबियन वही तुम्हारा जो वेस्ट इंडीज़ देखोगे तुम, और वेस्ट इंडीज़ देखोगे तो बहुत करीब है तुम्हारा यूएस से उसका। देखो इधर देखो मैप देखो, ठीक है, ऑन द लाइट अभी, ठीक है, हियर आल्सो प्लीज, समझ गए बात को। तो रेड इंडियंस भी कुछ हैं जो उसके आसपास में एरिया में बैठे हुए हैं। जो थर्ड ग्रुप था देख लो वो रेसिडेंट्स ऑफ कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी का रेसिडेंट्स था, जो कि वाइट है, 90% तुम्हारा ब्रिटिश ओरिजिन है और लगभग 10% फ्रेंच है, स्पेनिश है, पोर्टुगीज है। अभी तक तो तुम लोग को यही पता चल रहा था कि ब्रिटिश और खाली फ्रेंच है। अब देख लो यहाँ पर चीज़ों को, कुछ कुछ अंश इधर वाले में क्यों ना हो, अरे ये लोग पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग ने क्या नहीं किया था, हल्का मचाया शुरू में तो लोग सेटल हो ही गए होंगे जो बात है। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो देखो तो जानते हो कि रेवोल्यूशन ऑफ वाइट अगेंस्ट वाइट, वाइट के अगेंस्ट वाइट फाइट हुआ क्यों, यानी वही जैसे कोक से जन्मे थे, ये मैंने शब्द बोला था कि नहीं, उसी को विद्रोह कर दिया गया। अब देखो रिवोल्ट हुआ जानते हो। अब देखो नो लव और अफेक्शन अमंग अमेरिकन फॉरबिडन, हम उसी कोक से जन्मे हैं ठीक है, हमको अफेक्शन नहीं है, क्यों इतना लॉ ला दिया, मॉलेसिस एक्ट बना दिया, टी एक्ट ला दिया, ये गवारा नहीं है हमारे लिए, मेहनत करे हम खाओ तुम, अभी घर में ही देख लो तुम लोग, तुम घट रहा है, भाई तुम्हारा मौज मस्ती मार रहा है, तुम विद्रोह कर दोगे, ऐसा होता है। तो यही चीज सेम हुआ है यहाँ पे भी, क्यों ये लोग मेहनत कर रहा था पैसा लूट रहा है वो सब, क्यों जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलोनीज, इतना तुम क्या कर दिया कि कुछ कर ही नहीं रहा है बाबू, जो मेहनत कर रहे हैं हम और हमको ही नहीं मिल रहा है, ख़त्म करो इस चीज़ को। मोस्ट ऑफ दिस वाइट्स माइग्रेटेड टू अमेरिकन अंडर कंपल्सन, बहुत सारे वाइट अमेरिका में चले आए, क्यों, क्योंकि यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था, तो इसलिए कमाने के लिए आदमी कहाँ ना पहुँचा है, आदमी कहाँ ना जाए, आज देख तो बिहार के लोग कहाँ ना है, तो कमाने इकोनॉमिक के लिए लाइवलीहुड के लिए आदमी कहीं ना कहाँ नहीं जाएगा। तो यूरोप में जो उस समय जो इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था, ये तो आप जानते हो कि खुशी खुशी एडवेंचरिज्म के तौर पर आया है लोग, मगर कई लोग खुशी खुशी नहीं आए, कई लोग पेट के लिए भी आए हैं, ठीक है ना। अब क्यों देखो इसमें बोला तो गया है, और भी दूसरे रीज़न है क्यों कंपल्सन क्या था, चर्च का डोमिनेंस है, चर्च का डोमिनेंस है तो फ्री थॉट नहीं हो पा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं ठीक से चीज़ों को, ठीक है, टू लाइफ सेव करना है क्योंकि वहाँ पे थ्रेट मिल रहा है, ठीक है, एंड मैनी अदर्स डिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारे को तो भगा दे जाओ कॉलोनी से, यहाँ से निकलो कॉलोनी में तुम रहेगा, अरे बेकार का आदमी है तुम लोग, ऑस्ट्रेलिया तो वही है, ऑस्ट्रेलिया तो बताए थे प्रिजनर का डंप है, तो कॉलोनी तो बनाया ही था डंप करने के लिए, यानी कि ये सभी फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन हुआ था। खाली माइग्रेशन का मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं समझो, माइग्रेशन का मतलब होता है कि हमको पेट नहीं, जैसे हम अपना बारे में बताते हैं, जैसे कि हमारा जो भी यात्रा रहा है अपने जीवन काल में हमारे पूज्य पिताजी का, तो वो तो ऐसा नहीं था, उतना तो रईस नहीं थे कि वो जाके बस जाते, वो तो अपने पेट के लिए गए थे वहाँ पे, वो अलग बात है कि उन्होंने जनरेशन चेंज कर दिया, हम लोग डिफरेंट हो गए, और यहाँ पर रहते तो बाबू आज तुम ही लोग को सर सर बोलते जो बात है, अब बताओ तुमको सर बोलते कितना शर्म की बात है हमारे लिए, अभी सोचता हूँ तो, और यदि नॉलेज मेरा नॉलेज को तुम हटा दो तो तुम लोग भी हमारे सामने में एक दो क्वेश्चन पूछ लेता, तो वाह पढ़ा लिखा आदमी ऐसा होना चाहिए, और आज बोलते कि वो पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे और अच्छा होना चाहिए, इसमें और भरो, ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस कैसे, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, इसको पीछे के जाओ हिस्ट्री, यही चीज़। तो आज यूएसए आज ब्रिटेन को भी यही बोलता है ना, और डेवलपमेंट होना चाहिए तुम्हारे कंट्री में, वाह हाँ, इसलिए बहुत इसलिए बच्चे लोग तुम लोग को बोलते हैं, जब तुम लोग को बोलते हैं तुम लोग सोचता नहीं उस चीज़ को, बस सोचो ना बैठ के, कल रिपब्लिक डे का भाषण हुआ है ना ऊपर, इतना बढ़िया हुआ, ये तो ग्रेट इवेंट हुआ है, अब ये लंबा मेमोरी का हिस्सा रह गया मेरा कल, और मैं कल बहुत लंबा सोच लिया यार, इतना तो मैंने कल्चरल प्रोग्राम पे नहीं सोचा था रूम में जाके, और हम इन्जॉय कर रहे हैं पूरा आफ्टर, मतलब
क्या बोले, कभी कभी कुछ इवेंट होते हैं जो दिल जीत लेते हैं। कल मेरा दिल जीत लिया इवेंट में, इतना हम खुश कल्चरल प्रोग्राम में भी नहीं हुए थे करके। रूम में गए, इतना हमको आनंद आ रहा था बैठ के, बोले वाह क्या कर दिया सब, क्या देखो यस। अब देखो बच्ची भी कल बोल रही थी कोमल बाबू कि हमने जो दिया था, हम लोग उसको बोले उस समय भी कि जो आप प्लेटफॉर्म पर बोलोगे वो डिफरेंट चीज़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी पकड़ो, ताकि बहुत खुश नसीब हो कि अपॉर्चुनिटी मिलता है प्लेटफॉर्म पर बोलने का। वो तो नहीं मिलता, हर नसीब वाले नहीं होते हैं कि जिसको मिलता है अपॉर्चुनिटी। और क्यों, क्योंकि वहाँ पे केवल हमारे विद्यार्थी गण ही नहीं थे, वहाँ पे और भी लोग थे। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था क्लास में, उसके सामने बोलना ये अपने आप में गौरव का विषय है, समझे। तो जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ। ठीक है, पहला तुम्हारा हाथ कांपेगा, थरथराएगा, बट इट्स फाइन, वो जनरल थिंग है, वो करना ही है ना। अब तुमने कितना अच्छा बोला, कोमल ने कितना अच्छा बोला, ठीक है ना, बेस्ट बोला है सभी लोगों ने। इम्प्रूवमेंट का तो बाबू गुंजाइश हमेशा है ना। अब हम भी बोल सकते कि यार हम और बेटर बोल सकते थे, बिल्कुल बेटर बोल सकते थे, गुंजाइश है, वो रखो। मैं वाट एवर यू डिड, उससे खुश भी रहना सीखो। झग मारने वाला आदमी कभी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं करेगा। हमारा नीचे सिग्नेचर लिख लो, इतना लंबा 30 साल 31 साल का अनुभव है हमारा, जो झग मारता है ना बाबू कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं करता है। ये लिटरल बता रहा हूँ तुमको, सही बात। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ। अभी तीन ही विद्यार्थी है तो बाबू मुंडी तुम्हें आप ही जा रहा है जो बात है। बी सेटिस्फाइड एंड वर्क फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सेटिस्फाइड रहो, काम करो दूसरे स्टेप के लिए, समझे ना, बेस्ट वे है। क्यों, अब जैसे ऐसे एक दो विद्यार्थी हमारे क्लास में है, कुछ है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जो करता है इम्प्रूवमेंट 1000 आ चुका है, मगर वो नेगेटिव ही दिखता है अपना उसको, हम ये नहीं कर पाए। तो ये सवाल ये भी तो होना चाहिए, आपने क्या किया, इस पर भी तो बात हो सकता था। आपने नहीं किया, ठीक है, आप अच्छा करते रहो ना, तो नहीं जो किया वो अपने आप रिड्यूस होते चला जाएगा। ये जब ग्राफ बढ़ाओगे अच्छापन का, तो वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो बौना हो ही जाएगा, बहुत छोटा हो ही जाएगा। समझ में आया ना बाबू, देखो तो हमारे लिए तो बहुत शान की बात है, बहुत खुशी की बात है कि बच्चे लोग का इस तरह रहा है कल योगदान, बहुत ना हमको बहुत खुशी मिलता है। कोई भी विद्यार्थी बोले अच्छे से, कोई अच्छे से बिहेव करे, मतलब उधर स्टेज पे, तो सब देखते हैं कि यार सब हमारा ही तो फल है, जो लिटरली बताए तो हम देखते खुद, जब बोलता है तो हम उसको अपने आप में देखते हैं। इसलिए तुम देखना, हम कभी कोई बच्चा बोलता है तो हम इस पर करके उसको देखते हैं, यानी कि हम ही बोल रहे हैं, इतना हमें कंसंट्रेशन रहता है उसमें। तुम गौर करता है क्यों, क्योंकि लगता है कि मतलब हम देखते हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं देखो मैं अच्छा स्पीकर तो हूँ, ये तो मैं मानता हूँ, मैं उससे भी बेहतर लिसनर हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी तुम लोग का लिसन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी का जो मेरा काम है वो स्पीकर का है, क्योंकि एट अ टाइम वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम टीचर हैं। और हाँ, जहाँ तक बात है तुम्हारा एडिटोरियल्स का, तो उस समय हमको अंतिम में करना पड़ता है, और ज़रूरी भी है कि तुम लोग समझा कितना है कि बोगस की तरह उड़ नहीं रहा हवा में। चलो अरे देखो, रिसीव नो हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है, बताओ है ना। फेस सीरियस थ्रेट ऑफ रेड इंडियंस एंड वाइल्ड फोर्सेस, बताओ वहाँ पे जानवर लोग, आप जानते हो कि ब्रिटिश लोग है, शिकार वाला बुद्धि है ना, जो दिखा आप शान है जी, यहाँ पे टाइगर के मार के एकदम फोटो खींच लेता था सब। और देखो एनसीईआरटी में पूरा पड़ा हुआ है, एनसीईआरटी में है तुम्हारा, यानी कि वाइल्ड फोर्सेस के लिए भी खतरा था। और रेड इंडियंस, बाबू रेड इंडियंस कुछ समझता ही नहीं था ये लोग, तभी तो यही रेड इंडियंस कपड़ा पहन के गए थे ना बोस्टन टी पार्टी में, वो हड़दम मचाए थे। बात समझने का प्रयास करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्ट ऑफ ओन स्ट्रगल, ऑफ ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इतना अमेरिका ऊपर पहुंचा अपना जद्दोजहद से पहुंचा है, इसमें ब्रिटिश का कोई उतना अहम भूमिका नहीं है, समझे। सॉरी, वहाँ का बासिंदा, ये बाहर से गोरी चमड़ी आया वहाँ पे, वहाँ का तो वो खुद बासिंदा है, समझे। बिल्कुल पूरा
वाइट लोग बस गए तो मेजोरिटी हो गया तो क्लेम करता है कि हमारा ऐसा होता है। देखो वन ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू टेक अवे प्रॉपर्टी एंड इंडिपेंडेंस रिवोल्ट। प्रॉपर्टी कैसे लेगा तुम? हाँ, इंडिपेंडेंस कैसे छीनेगा हमारा? रिवोल्ट कर दिया, उसके बाद जानते हो क्या हुआ? तो कहने का मतलब बाबू क्या हुआ कि जो रिवोल्ट हुआ है उसका ये एक भी रीज़न है। और रीज़न जानोगे थोड़ी देर में बताऊँगा, ये जितना बता दूंगा अभी दो पेज में, उसके बाद आराम से चलेगा क्लास। देखो क्या मस्त चीज़ है। देखो, चेंज इन नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल टिल 1763। ब्रिटिश रूल इन अमेरिका कॉलोनीज, कनाडा वॉज फ्रेंच कॉलोनी। अब देखो क्या कि 1763 से पहले, यानी कि 7 ईयर से पहले आराम से बाबू ब्रिटिश रूल था वहाँ पर कॉलोनीज में। अमेरिका में पूरी तरीके से डोमिनेंस था ब्रिटेन का, और कनाडा में पूरी तरीके से डोमिनेंस था फ्रेंच का, जानते हो तुम, है ना। बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन अमेरिकन, ठीक है, मच लेस देन पीपल लिविंग इन द लंडन। बताओ पीपल लंदन में रह रहा है उसके ऊपर उतना टैक्स नहीं लग रहा है, बेचारा जो वहाँ पे लग रहा है उसका ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है उसका, तो वो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब समझो इंटरनल जो अफेयर्स था, इंटरनल अफेयर्स में अमेरिकन वेर इंडिपेंडेंट। अब इन इंटरनल अफेयर्स कॉलोनीज को बताते हैं, कॉलोनीज वेर प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटेन रदर देन इकोनॉमिक वैल्यू। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रिटेन के लिए कॉलोनीज क्या था, एक प्रेस्टीज भी था, इकोनॉमिक वैल्यू तो था ही था, मैं एक प्रेस्टीज, एक स्वाभिमान का ही बात है। मैं स्वाभिमान को धता बताया कि नहीं बताया रिवोल्ट करके? और जाहिर सी बात, एक लैंड है मेरा, ठीक है, एक लैंड कब्जा कर रख लिया, और जनरेशन बीता तो लगा वो लैंड मेरा ही है, और लैंड में वो लोग जो ओरिजिनल वाले आदमी थे या फिर जिसको हम रखे थे संरक्षण के तरफ से, उसने बगावत कर दिया, तो प्रेस्टीज तो गया ना, स्वाभिमान तो गया बाबू, उड़ गया हवा। देखो यही देखो सिचुएशन केम आफ्टर 1763, वही 7 ईयर वाला ख़त्म हुआ, वहाँ पे पेरिस हुआ, उसके बाद कनाडा गिवन टू ब्रिटेन, ब्रिटेन ने ले लिया, इसलिए अभी भी तुम बूढ़े चमड़े ही मिलेंगे कनाडा में भी। ट्रूडो कौन है? ट्रूडो जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो नहीं बोलते थे तो बार बार वो हाथ लगाता है इंडिया का, क्योंकि वहाँ का सिख का चाहिए उसको वोट, बुझा। देखो वंस कनाडा बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटेन नो फियर, वही जब पार्ट हो गया तो काहे का डरना, फ्रेंच का कोई डर ही नहीं है, ठीक है, नो फियर, फ्रेंच से कोई डर ही नहीं है। तो उसके बाद देखो नेविगेशन एक्ट हुआ बाबू, तुम लोग सब जानते हो उसके बारे में, खुशी मनाओ सब जानते हो इसके बारे में। 1651 1663, यहाँ पे ब्रिटिश शिप्स यूज्ड कंपलसरी फॉर अमेरिकन, कोई दिक्कत है किसी को? जिसे वो बोलते हैं नेविगेशन एक्ट्स, एकदम सिंपल। 1764 का शुगर है, शुगर टैक्स, करेंसी टैक्स, करेंसी टैक्स भी तुम लोग जान रहे हो। 1765 का स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, और ये तुम्हारा सोल्जर्स के लिए भी तुमको देना होगा। उसके बाद फिर से इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हर संभव टैक्स पे टैक्स, ठीक है, खींच रहा है बाबू, तो ये समझ गए। दूसरा, ये दूसरा है। अब तीसरा जो है, देखो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब देखो अमेरिकन वेल मैच्योर्ड है, वेल डेवलप्ड है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली और कल्चरली, बहुत प्रोग्रेसिव, हाइब्रिड कल्चर है वहाँ पे। हाइब्रिड कल्चर मतलब क्या? हर संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, थिंकिंग है जी, तुम खुद देखो ना। और तुमको नहीं लगता है, उस दिन मेरा छोटा भाई बड़ा बहुत एक बात हमको जो किया ना, गजब का बात किया, ये अमेरिकन कॉलोनी से मिलता जुलता चीज। हमको क्या बोला था, हम लोग जा रहे थे रात को, हम लोग जाते हैं लोग टहलने के लिए, तो हम लोग बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा जो बात करने उचित लगता है वही बात करते हैं। बहुत अच्छा बोला था छोटा भाई, ये बोला था कि भैया जो भी विद्यार्थी पढ़ने आता है इंग्लिश में, यदि मान लीजिए कि इमेजिन करिए कि वो सभी विद्यार्थी और एक पूरा सोसाइटी है कॉलोनी में, और वैसे विद्यार्थी लोग ही वो कॉलोनी में रह रहे हैं, तो ये कॉलोनी तो भारत का नंबर वन कॉलोनी हो जाएगा। इसका मतलब समझा क्या है? यानी कि सभी लोग लिटरेट हैं, सभी लोग एजुकेटेड हैं, सभी लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, गजब का निकल जाएगा। तो ये है पावर ऑफ एजुकेशन, और यही चीज़ अमेरिका के साथ हुआ। क्यों आए? हाइब्रिड कल्चर, सब लोग का दिमाग खुल गया है, सब छोटे छोटे बात नहीं करेंगे, ना क्यों? क्योंकि सब जब तब का उठता है यार, जब एजुकेटेड होते हैं। अरे ये जो रूढ़िवादी है, जैसे नीति सोचता है, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगा उसका। अब तुम इंटरप्रेट कर लो उसको, कैसे इंटरप्रेट करोगे, ठीक है ना? तुम दे दिए बिल्कुल, नीतीश कुमार है ना, जिसको हम तो नहीं पढ़ा सकते, जिसको हम कहीं नीतीश को नहीं पढ़ा सकते, ताकि वो पहले से पढ़ा हुआ है ना। तो अब इस चीज़ को भी इंटरप्रेट कर लेना तुम, कि हम मुखिया को बोल रहे हैं कि तुमको बोल रहे हैं। नहीं, देखो
तो बाय 18th century अबाउट 1750 का प्लांटेशन, वही तो बोल रहे हैं प्लांटेशन ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि हम बता चुके थे चाणक्य के नोट्स से कि प्लांटेशन आगे बढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स गजब बढ़ा। पॉलिटिकली बाबू लेजिस्लेचर है, बताए कि नहीं बताए थे, सबका अपना अपना लेजिस्लेचर भी है। एक गवर्नर ऊपर से अपॉइंट करके ब्रिटिश पार्लियामेंट भेज रहा है, तो ये जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र का जो बीज है वो तो बोया जा रहा है वहाँ पर, बहुत अच्छे से चल रहा था वो, समझे ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव अपने ढंग से, एडमिनिस्ट्रेशन अपने ढंग से चला रहे थे, उसका सोशियो कल्चरली स्टेबल है। कॉस्मोपॉलिटन है, ये बोल तो रहा हूँ, अलग अलग लोग रह रहे हैं, यानी कि दुनिया से खुला हुआ है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब दुनिया से खुलना, इसलिए दिल्ली को कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहा जाता है। मैंने तुमको सोसाइटी में पढ़ाया था, तुम्हें याद है तो ये वर्ड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, यानी कि दुनिया से खुला रहे। अभी देख तो खुला है कि नहीं खुला है, अभी तो खुल गया है, अभी तो हम बोलते हैं कि हर जगह खुल गया है, स्विगी कर दिया आ गया है ना। जैसे सुबह आता है कि कचरा वाला आया घर से, कचरा निकाल आता है गाड़ी गाड़ी वाला, हाँ है ना, स्विगी वाला आया मुँह में पिज्जा डाल ऐसे करके वो आ जाएगा। तुम बोला हाँ दे दो, हम तो माल न्यूट्रिशन से दिक्कत में और दिक्कत में हो जाते हैं, नहीं खाना है क्या है, बैलेंस करना, यू हैव टू बैलेंस। इतना न्यूट्रिशन बारे में जानते हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाले चीज प्रॉपर टेक केयर बोल तो देते हैं यार, खाना उना हम भी नहीं खाते हैं जो बात है। देखो अच्छा ही नहीं लगता, हम भी रूसों के तरह ही है, पता है तुमको रूसो, तुम लोग एरी तो वो बुक पढ़ा था तुम लोग जो तुमको, उसमें रूसों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला होगा तुमको। रूसो क्या था कि रूसो खुद गंदा रहता था और सबको बोलता था कि अच्छा रहने के लिए लिखा हुआ था उसमें, तो रूसो खुद फॉलो नहीं करता था अपना प्रिंसिपल, वो अपना बोल के फॉलो करने लगा। तो हम ये चीज़ का बस सब नहीं करते, ये चीज़ एक दो चीज़ बोल रहा है ये खाने वाला, क्योंकि हमारा डाइट इतना कम है, इतना कम है कि हम क्या बोले, जब वो इनबिल्ट है, वो इनबिल्ट है, वो अनुभव है, तपस्या है। आज हम अपने पिताजी से आर्गुमेंट कर रहे थे, क्या लगता है हम एक दिन का प्रोडक्ट है, ये आपका चिंतन का प्रोडक्ट है, ये जो बने हैं आज इसमें 20-25 साल का मेहनत है। मोदी जी क्या आज प्राइम मिनिस्टर ऐसे बन गए हैं, मोदी जी 50 साल का मेहनत है, सब वही तो बोलते हैं IAS IPS एक दिन का मेहनत है क्या, एक कंटिन्यूस जर्नी है। और उस जर्नी को पीछे जाकर देख लो तो उसका जो कॉलेज का जर्नी स्कूल का जर्नी भी तुमको हाई पिक पे मिलेगा उन लोग का। मैं इसका मतलब नहीं कि वही बनेगा, कई लोग होता है कि जब हम जब सवेरा तब जब उठे तभी सवेरा कॉलेज से भी कॉलेज में भी आ गया, और कॉलेज से कई लोग ग्राफ है एकदम ऊपर आइस, पहले पूरा ऐसे पर लटा हुआ है समझा ना, और एक नंबर ग्राफ एकदम ऊंचा है, इतना ऊंचा कि बाबू ये लोगों को भी कंपनसेट कर दिया मेहनत करके। तो करना होगा देखो यही तो तुम्हारा किया है अमेरिका भी, पहले से ग्राफ ऐसा वाला ग्राफ है ना, रेड इंडियंस वाला ग्राफ है जी निकला हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। अब उसका जो ग्राफ हुआ था तो चुनौती दे रहा है ना ब्रिटेन को, कॉस्मोपॉलिटन इन टर्म्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटन, समझे ना, बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म, देखो बात है कि नहीं है, इंडिविजुअलिज्म बिलीव हो रहा है। एंड अमेरिकन्स हैव स्कॉटेड द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट, ऑफ बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, वाह 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 एनलाइटमेंट, मजा आ गया मजा आ गया। अब क्यों मजा आ गया ये बोल रहा है, क्योंकि देखो बाबू जॉन लॉक जो साहब थे, मैं बोल रहा हूँ जितना जॉन लॉक साहब इंग्लैंड में विख्यात नहीं हुए, इंग्लैंड में विख्यात थे ही थे, यूरोप में भी, और उनसे कई बड़ा नाम इनका यहाँ पे है अमेरिका में। अब भी कोई आदमी जाकर जॉन लॉक के बारे में बोल दे तो तुम कुछ गला लगा लेते हो, उतना बड़ा रोल है। जैसे गांधी जी के बारे में कोई अंग्रेज आकर बोल देगा तो कितना खुश हो जाएगा, उसी टाइप का बात है। देखो यही तो है बाबू, तुम लोग को बोले थे कि किसी ने तो बोला था, स्लोगन दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उस समय बोल, देखो यही था जेम्स ऑटिस, ठीक है, अभी नाम आ जाएगा इनका बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। थॉमस जेफरसन जानते हो बच्चे लोग, वॉशिंगटन साहब जानते हो, यही तो है जिन्होंने अमेरिकन इंडिपेंडेंस में अपना अहम भूमिका का निर्वाह किया है, और बाद में जाके 1775 में शुरू हो जाता है, आप जानते हो उसके बाद क्या होता है सभी परिचित हो। तो यही सब चीज़ तुम अब आराम से सेंटेंस के द्वारा पढ़ोगे। तो बच्चे लोग ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, ये सिविल सर्विस का पूछा गया है, पहले समझ लो चीज़ों को, उसके बाद फिर विजिट करेंगे वहाँ पर। देखो तो क्या है अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट रिमार्केबल फेनोमेना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, बात समझे क्यों ना हो, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका जो इफेक्ट्स है ये कहीं ना कहीं मॉडर्न एज का दरवाजा खोल दिया। हाँ मॉडर्न एज हो तो कैसा हो तो ऐसा हो,
नया चीज़ भी दुनिया को नया मिल रहा है, कॉलोनी भी लड़ सकता है मास्टर कंट्रोल से, यानी कि तुम्हारा जो मालिक है वह मालिक से तुम लड़ के जीत सकता है और बाद में मालिक से आगे निकल सकता है। ब्यूटी, ये जो अमेरिकन रेगुलेशन का जो आइडियाज है ये इंस्पायर किया जनरेशन को, पूरा दुनिया को इंस्पायर किया, ताकि लड़िए लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के लिए लड़िए, इंडिविजुअलिज्म को लड़िए, सोवरेनिटी के लिए लड़िए। अमेरिकन जो रेगुलेशन था बाबू वो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज का था, जो कि जानते हो कि अटलांटिक कोस्ट में तुम्हारा लोकेटेड था, जानते हो अभी का। फर्स्ट जो कॉलोनीज था वो 1707 में हुआ था, जिसका नाम जानते हो अभी बता चुके हैं, जेम्सटाउन ऑन द रिवर ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ जेम्स। अब देखो बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी जो 13 कॉलोनीज थे आस्ते आस्ते आए, ठीक है, न्यूयॉर्क थे, न्यू जर्सी थे, न्यू हैम्पशायर थे, कनेटिकट बोले थे, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, रोड आइलैंड बता चुके, दिलवारे, मैसाचुसेट्स, होप सो तुम लोगों को सब माइंड में रिमाइंड हो रहा होगा, होप सो। दिस कॉलोनीज रेज द बैन ऑफ रेगुलेशन, और यही सब मिल के बगावत कर दिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो वो आइज अमेरिकन रेगुलेशन टेक प्लेस। अभी बताएं जस्ट रीजन, सब रीजन दिए हैं, बोले तो है, सब दे दिया, अब इसको कैसे लिखना पड़ता है, सजाना पड़ता है उसे। लैक ऑफ, ठीक है, लव और अफेक्शन अमेरिकन फॉर ब्रिटेन वॉज रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द आउटब्रेक ऑफ दिस रेवोल्यूशन। कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, ठीक है, तो बोलोगे कि सर प्यार मोहब्बत नहीं है तो काहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आया। अरे बाबू उस समय का प्यार मोहब्बत अलग चीज़ है ना, दूर हो जाता है घर से तो बहुत अच्छा लगता है ना। लोग अभी तुम्हारे घर में आके डेरा जमा दो, तुम्हारे घर में आके मान लो हम ही आके जमा दें, नितिन ज़्यादा नहीं बाबू, हमको 3 दिन रहना है तुम्हारे घर में, और खाना खाना ठीक ठीक टाइम पे देना बाबू, अतिथि देव भव होता है जो बात है, ठीक है ना, और पूरा खाएंगे बढ़िया से हमको, तुम पनीर का सब्जी खिलाएगा, मशरूम खिलाएगा, ठीक है, बढ़िया से खिलाएगा, नहीं खिलाया बाबू टचर होगा तुम्हारा, ये हम तुमको इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो मन में आएगा दीदी तुम कब जाओगे, है ना सर, एक दिन तो ठीक है, एक दिन कर देते हैं, अगला दिन से सोचता है मन में, फिर वहाँ तुमसे हट गए और अभी कितना रिस्पेक्ट। तो लव और अफेक्शन दूर रहने से ज़्यादा होता है, यही चीज़ है, हाँ समझे ना। इसलिए बाबू हमारा क्या है प्रिंसिपल है कि बाबू जाना ही नहीं है, और जहाँ गए तो धरती तर गया ना, तो धरती पर पुण्य हो गया, चना अमृत ले लो बाबू, पी लो मेरा पैर का, इस एटीट्यूड से चलते हैं। हाँ मगर हमको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, बहुत स्वाभिमान होना चाहिए आदमी को अपने अंदर, पता है हम वो लिटरली बोलते हैं, और आदमी को जो वचन जो होता है ना, वचन का बड़ा पक्का होना चाहिए, अरे एक जो बोल दिए ना बाबू उसके लिए मर भी जाए मिट भी जाए, मतलब उतना होना चाहिए, मजा आ जाएगा, दुनिया देखता है कितना बढ़िया हो जाएगा उसके बाद, मस्त हो जाएगा। तो नीतीश जैसा आदमी लोग का व्यापार बंद हो जाएगा। देखो तो लव जो अफेक्शन जो लैकिंग था, जो अभी इतना बड़ा भाषण दिए हैं, अब देखो इसको, देखो अब देखो कैसे लिखा गया इसमें, देखो अब कैसे समझोगे इस चीज़ को, नंबर वन है, नंबर वन के नीचे देखो ए पॉइंट है, देखो वहाँ पे अब ये स्टेटमेंट हुआ, उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा आ रहा है वर्ड, ये हमेशा याद करना। देखो हिस्ट्री ऑप्शन में फिर से बोलना चाहूँगा कि ऐसा ये दूध दही का काम नहीं है, अब जो भी चीज़ लिखोगे सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट अमेरिकन वेयर ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, है ना, ब्रिटिश ओरिजिन होने के बाद भी काहे लव और अफेक्शन नहीं था, तो वही देखो दे डिडंट हैव मच अफेक्शन फॉर देयर मदरलैंड बिकॉज दोस अमेरिकन्स लेफ्ट ब्रिटेन अंडर कंपल्सन। ये तो है, ये तो लॉर्ड के अंदर आया था, उधर से जो आया था ये तो कंपल्सन में आया था, रोजी रोटी में आया था, इसलिए लव नहीं है। अब तुम खुद ही देख लो हम क्या बोलते हैं कि सिक्किम गए हैं तो हमारे पिताजी के दिमाग में क्या होगा, बिहार के प्रति लव और अफेक्शन होगा, अरे बिहार में सब कुछ मिल जाता तो काहे छोड़ते इस जगह को, और हो सकता है अभी तो चलो एजुकेशन है उनको प्रॉपर, या फिर घर में बच्चा लोग है तो उनको ट्रीट कर देता है, और वही लोग यदि एजुकेशन खत्म कर देते तो हमेशा गाली देंगे बिहार में या किसी जगह को जहाँ से माइग्रेट किए कि हमको नहीं मिला इसलिए हम दूसरे राज्य में गए हैं, तो यही चीज़ हो रहा था। क्यों लव और अफेक्शन नहीं है उसका, तो यही रीज़न है क्योंकि बाबू खुशी खुशी तो गया नहीं था, वो तो कंपल्सन में गया था, चर्च का मोनोपोली है वहाँ पे, और वहाँ दबा के रखा हुआ है, जीने नहीं दे रहा है, और पिजनर जब बन रहे हैं कोई गलत काम कर रहे हैं तो फेंक दे रहा है कॉलोनीज में, बाद में ना कॉलोनी जाकर टॉप बना, पहले तो हालत हम लोगों का खराब ही था वहाँ पे, तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से वो लव और अफेक्शन जनरेट नहीं हो पाया, समझा, वही लिखा गया है यहाँ पे। देखो कि दोज अमेरिकन लेफ्ट ब्रिटेन अंडर कंपल्सन एंड दे वर डिपोर्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय वे ऑफ पनिशमेंट, भेज दिया पनिशमेंट के तौर पर,
मैनी ऑफ दिस अमेरिकन माइग्रेटेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप था. वर्ड सब देखते रहे ना, बहुत लिखे हैं, छोटे छोटे लिखे हैं. दे हर्ड दैट अमेरिका वॉज अ लैंड ऑफ, और ये लोग सुना था कि रिसोर्सेज का बहुत बड़ा साम्राज्य है अमेरिका. अब बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत बड़ा साम्राज्य है. लैंड ही ऐसा है, बहुत पवित्र लैंड, बहुत अच्छा लैंड है. सोचा कि इतना अच्छा लैंड है, रिसोर्सेज है, कहीं ना कहीं जाएंगे, रोजी रोटी हो जाएगा. मैनी एस्केप टू अमेरिका टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ चर्च और स्टेट. मारवाड़ फरमान जारी कर दे, मरवाओ रहे फलना ढिकना को, खूब उड़ रहा हवा में, ऐ काम नहीं है, निकालो इसको सोसाइटी से. तो डर से ही भाग गया. मैनी अदर्स माइग्रेट टू अमेरिका टू सेव देयर लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स फ्रीली. ठीक है, अरे आराम से रहना चाहता था लोग, ठीक है, चर्च का डोमिनेंस नहीं चाहता था. अब बहुत सारे तो बता चुके हैं कि एज अ पनिशमेंट भेजा है, एज अ प्रिजनर के तौर पे भेज दिया है, पनिशमेंट बाबू खाओ पनिशमेंट तुम लोग बैठ के. तो पास समझ में आया क्यों लव और अफेक्शन हुआ. इसका सपोर्टिंग में चार पांच स्टेटमेंट दे चुके हैं. उसमें से बाबू तुम लोगों को तीन पॉइंट भी याद रह गया तो तुम्हारा दुरुस्त हो गया आंसर. पूरा पूरा नहीं समझा, जितना पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा मेजोरिटी पॉइंट तुमको आ गया. बल्ले बल्ले है. अब क्यों, अभी मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं तुमको जो हिस्ट्री ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं तुम लोगों का माइंड कितना हुआ है. अच्छे सुनते रहना सभी लोग. सेकेंड पॉइंट देखो, द माइग्रेंट्स टू अमेरिका स्ट्रगल हार्ड फॉर जनरेशन टू डेवलप देयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड. दे फेस एक्सट्रीम चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ रेड इंडियंस, वाइल्ड एनिमल्स एंड क्लाइमेट. क्या बोला है कि जो आए हैं बेचारे ये लोग, ठीक है, अमेरिका में आए, बहुत लंबा स्ट्रगल चला है एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, इंडस्ट्री को डेवलप करने वाले में, और गजब का चैलेंजेस फेस किए रेड इंडियन जो वहाँ के लोग थे. वो तो नहीं चाहेंगे शुरू में इंक्रोच करोगे उस घर में तो चैलेंज देंगे तुमको, बाद में तुम मेजोरिटी आए तो दबा दिया उसको. और वहाँ का वाइल्ड एनिमल्स जानते हो, वाइल्ड एनिमल्स तो कोई भी किसी का भी फटता है जो बात है, क्लाइमेट डिफरेंट है. तो यानी कि कितना जद्दोजहद करके वो पहुँच रहा है ऊपर. सेम हमारे जनरेशन के ऊपर भी हर एक चीज़ पर लागू है जी. अब देखो, और दूसरा क्या है कि ड्यूरिंग दिस लॉन्ग फेज ऑफ स्ट्रगल अमेरिकन गॉट नो हेल्प ऑफ एनी काइंड फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट. कहाँ मिला हमको, हमने तो खुद ही प्रयास करके उठे, कहाँ हमको ब्रिटिश आओगे, बिहार गवर्नमेंट दे दिया हमारे पिताजी को कि जय ये दुकान खोल लीजिए. समझ रहे, यही चीज़ तो हुआ. अब बाद में बोले, यहाँ का गवर्नमेंट बोले कि हमको पैसा दो भाई, टैक्स दो, इतना तुम कमा रहा है, यहाँ का आदमी था तुम तो बगावत नहीं कर दिया जाएगा, वैसा वैसा आदमी मिलकर बगावत कर देगा. वही एग्जैक्टली हो रहा है. बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटेन वॉज क्वाइट वीक, कमजोर हो गया. ये रीजन से ब्रेकिंग दिस बॉन्ड वॉज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. कोई डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं. क्यों, क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ट्राई टू प्रेशराइज अमेरिकन टू टेक अवे द इंडिपेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, सॉरी प्रॉपर्टी. द अमेरिकन रेज द बैनर ऑफ रेवोल्यूशन. क्यों, अरे भाई तो हमेशा तो प्रेशराइज करता था अमेरिकन के ऊपर, और कहीं इंडिपेंडेंस का तो बातें नहीं किया जिस लेवल पर बात होना चाहिए था, और प्रॉपर्टी छीन ही रहा था. क्यों, ब्रिटिश वाला सीपी आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लैंड, और हमारा ट्रूप्स वहाँ पर रखेंगे, वही क्वार्टरनरी वाला एक्ट जो बताए थे रखेंगे. तो इसका मतलब क्या, इंक्रोचमेंट है. जब इंक्रोचमेंट है तो बगावत तो होगा ही होगा, तो हो गया बगावत. तो बाबू समझे, ये अभी देखो, अब मैंने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ. तो मैंने बस एक पॉइंट को समझाया इसके ऑप्शन के लिए, लव ऑफ, तो उसमें हमने जाना ए पॉइंट जाना. अब ए पॉइंट के अंदर भी बहुत सारा सब पॉइंट था, जो तुम्हारा मार्क ऐसे ऐसे करके वो मार्क है. ए पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट है, वो मार्क है. फिर बी पॉइंट था, फिर सी पॉइंट हुआ. अब सेकंड पॉइंट, यानी कि विद्रोह होने का एक रीजन जान लिया. जान लो बाबू, ये इस तरह का होता है, समझ रहा है ना, तभी तो बोलते हैं. क्यों, वेटेज अकेला बाबू वेटेज लेता है 500 नंबर का, मजाक चीज है क्या. 250 प्लस 250 यानी कि दो पेपर का वेटेज अकेले ले रहा है. कितना क्वेश्चन रहता है, रहते हैं, मैं एनालिसिस करके बता दूंगा, अभी बताऊंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको, पेपर दिखा के बताऊंगा. देखो, चेंज इन द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन अमेरिकन कॉलोनीज प्लेड मोस्ट फंडामेंटल रोल इन प्रिपेयरिंग कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ योर रेवोल्यूशन. क्या बोला कि जो ब्रिटिश रूल का जो नेचर जो चेंज होता था कॉलोनीज के प्रति, कहीं ना कहीं ये भी फंडामेंटल रोल प्ले किया है फॉर द आउटब्रेक ऑफ योर रेवोल्यूशन. अब देखो क्यों ना हो, देखो 1763 से पहले तक ब्रिटिश रूल आने के कॉलोनीज वो लार्जली नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल था जी. नॉमिनल मतलब खाली ऊपर से रूल कर रहा था, अंदर जाके इंटरफेयर नहीं कर रहा था, अंदर घुस के चूल नहीं मचा था ना, ऊपर से नॉमिनल हेड था. अभी देखो उस समय क्या करते थे, देखो ये सब पॉइंट है, ए पॉइंट देखो सब पॉइंट में है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे लाइफ ऑफ अमेरिकन. 1763 से पहले बाबू जो करना है करो,
जैसा करना करो, आई डोंट केयर। बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन अमेरिकन वाज मच लेस। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, वहाँ पे थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ को भूल गए हैं, फैक्ट बात ये है क्योंकि कितना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे मैं अपने आप करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे तुम गलत नहीं हो जाओगे। ये जो लाइन है, ये लाइन बताएंगे तो गलत नहीं होगा, आगे माइंड तो तैयार हो ही गया था, तो वहाँ इसलिए बोलता हूँ कि वो डायरेक्ट मत लिखना है, ये पढ़ लेना तब जाके तुम लिखना हो, इसलिए तुमको पहले फर्स्ट ही में बोला गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो इसमें बहुत अजूबा चीज़ बताया गया है कि 1763 से पहले तक बाबू लंदन वाले लोग ज़्यादा टैक्स देते थे एज कम्पेयर टू अमेरिका। ये एक्चुअली था मैंने वहाँ पे ठीक से क्लियर क्रिस्टल नहीं लिखे हैं। हाँ, तो वही बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन अमेरिकन वाज मच लेस एज कम्पेयर टू टैक्सेस पेड बाय सिटीजंस लिविंग इन लंदन। समझे क्यों? 1763 के बाद इंडिपेंडेंट था, बस ऊपर से रूल कर रहे थे, नॉमिनल हेड था। अब देखो तो होप सो समझ में आ गया कि जो नेचर है, यानी कि वो लोग तभी वो लोग तो मजा आ रहा है, इसका मतलब अकेले कर रहा। अब जब 7 ईयर वार होगा, उसके बाद जब बनेगा ब्रिटिश का पूरा कब्जा होगा, जब वो चेंज करेगा, शुरू में तुम पनीर चिल्ली खिलवाया सब, बोला खाओ पियो, बाद में बोला कि बाबू 2 दिन का रोटी मिलेगा, 2 दिन का तुमको वो मिलेगा, भिंडी का भुजिया मिलेगा, तुम क्या बोलेगा? एक दिन तक तो खा सकते हैं मगर लंबा नहीं खा सकते हैं, यही होगा। तो शुरू में पनीर का सब्जी खा रहा था, इंडिपेंडेंस मजा आ रहा था इन लोग को। अब आस्ते आस्ते जो चेंज हुआ है पॉलिसी में, बगावत कर दिया बाबू। देखो दिस लिबरल कैरेक्टर, अब कैसे लिबरल बना, यही वजह से ना, यदि किसी को दबा के रखोगे तो लिबरल बनेगा नहीं, ये भी बात समझो। तो कॉस्मोपोलिटन कल्चर ब्रिटिश बना है, अमेरिकन बने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इंडिपेंडेंस वाला चीज मिला होगा तभी ना माना होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन शुरू में तो आपने नहीं दबाया उसको, मगर जब उसको स्वाद आ गया पनीर चिल्ली का, यानी कि इंडिपेंडेंस का, प्रॉपर्टी का, तब आप जब लगाओगे। अब जैसे कि एग्जांपल, एक आदमी को पढ़ा लिखा दिया तुम, विद्वान बना दिया, अब उसको चाहता है कि तुम कोपचे में लो, तो भाई तुमको कोपचे में नहीं ले लेगा वो। हाँ, वो हो गया ऊपर, उसका माइंड लिबरेट हो गया, वही चीज़ हुआ। देखो दिस लिबरल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज मेयर अ कंपल्सन फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट रेदर देन अ चॉइस। अब देखो ये भी बात समझना पड़ेगा तुमको, ये एक तरह से कंपल्सन था ब्रिटिश के लिए, ये चॉइस नहीं था, समझे, ये चॉइस नहीं था। और देखो ये बात तुम बोलो कि सर इसका मतलब ब्रिटिश लोग इतने अच्छे थे क्या कि इन्होंने इतना इंडिपेंडेंस दे दिया अमेरिकन को, तो यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, ये बात नहीं है, ये ब्रिटिश के लिए कंपल्सन था इंडिपेंडेंस देना उन लोग को, नहीं तो ब्रिटिश चाहता कि उसको भी दबा दे, मगर वो सिचुएशन ही ऐसा था, मजबूरी ही ऐसा था, बात समझो ना। यानी कि पनीर चिली जो हमको मिल रहा था वो मजबूरी में मिल रहा था, और मिल तो रहा था हमको। तुमको बोले तुम्हारे घर में जाएंगे तो मिलेगा ना जी, मिल तो रहा था, भले ही अतिथि देव बोल के रहे, खुशी से नहीं मिला था, हम बाद में खाने का आदत हो जाएगा तो भाई हमको चाहिए चाहिए, ये भी तो समझो। तो हम तुम्हारे घर जाएंगे, फिर इसके घर में जाएंगे तो यही हो जाएगा ना, एक दिन लग गया आदत तो समझ रहे ना, फिर घर घर विजिट करते रहो। देखो दिस लिबरल, देखो ये समझो, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा। देखो दिस लिबरल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज मोर अ कंपल्सन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट रेदर देन अ चॉइस। समझ गए ना बात को, ये बोलना चाह रहा है बिकॉज टिल, अब क्या रीजन है इसके पीछे देखो बच्चे लोग, बिकॉज टिल 1763 कैनेडा वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी, जानते हो, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रिहेंशन था कहीं फ्रेंच के साथ दोस्ती कर लेगा तो हमको हिला देगा, इसे दे दो पनीर चिल्ली, इतना नाम बताओ, आज तुम खाएंगे ही खाएंगे जो बात है, इतना रिपीट हो गया, समझते हो, यानी कि हमारे साइकोलॉजी में कितना जा रहा है वो चीज। तो ब्रिटिश अमेरिकन एम्पायर कुड डिसअपीयर, नहीं तो बाबू उड़ जाएगा हवा में, जब ब्रिटिश का साम्राज्य है, अमेरिकन एम्पायर इतना बड़ा खड़ा किया, उड़ जाएगा, क्योंकि फ्रेंच से बगले में बैठा हुआ है, और दबाएगा तो फ्रेंच से हेल्प ले लेगा वो, अब जैसे ही फ्रेंच को खदेड़ेगा वहाँ से पॉलिसी चेंज हो जाएगा इसका, अरे ब्रिटिश तो कभी सगा बाप का नहीं हुआ, ये इसका क्या हो गया, जो बात है ब्रिटिश कोई भी, देखो कोई भी काम ब्रिटिश करता है तो बड़ा सोच समझ के, समझे। अब इसका देखो, अब बी पॉइंट का एक और तुम्हारा सप्लीमेंट पॉइंट है कि द अमेरिकन कॉलोनीज वेयर नॉट द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ब्रिटेन बट दिस कॉलोनीज वेयर डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ प्रेस्टीज। देखो गज्जब, वाह व्हाट अ पॉइंट, देखो क्या लिखा है कि शुरू में देखो ये बाबू, ये शुरू में कोई इकोनॉमिक पावरफुल चीज नहीं था, उसने इंडस्ट्री बनाई नहीं, तो शुरू बाद में बना, यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है, शुरू में प्रेस्टीज का सवाल था,
वही पॉइंट शुरू में बताया था, ठीक है ना। शुरू में कोई ये नहीं था कि ये हम लोग कमा के देगा, ये प्रेस्टीज सवाल हमारा लैंड है, क्यों ऊपर फ्रेंच है, फ्रेंच का कनाडा क्लेम करता है तो हम नीचे क्लेम करते हैं, हम भी कहाँ कम है, हम भी इस प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में बहुत आगे हैं, दिखा देंगे। अब बाद में तो बाबू इतना आगे निकल गया कि फ्रेंच को तो लात मार के भगा दिया गया, कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंच कौन है हमारा। मैं चाहे इंडिया का तुम कॉन्टेक्स्ट देख लो, चाहे वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट देख लो, सभी जगह जहाँ जहाँ ब्रिटिश गए हैं बाबू और दूसरा कोई गया है तो खदेड़ के भगाया है ब्रिटिश ने, सब जगह रहा, बस जापान को नहीं कर पाया, जापान का अलग तीरंदाजी है। जापान के बारे में जितना कम आएगा इसके ऑप्शन में जापान के बारे में और जाना जाना समझ में आया। तो पहले शुरुआत में क्या वो सोर्स ऑफ प्रेस्टीज था कोमा, समझी, बाद में क्या हुआ वो बाद में जाके इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, मगर शुरू में कोई ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं था ब्रिटेन का अमेरिकन कॉलोनीज की तरफ। ड्यू टू दिस कॉलोनीज से अब देखो मेन पॉइंट सी, ड्यू टू दिस कॉलोनीज ब्रिटेन टू क्लेम दैट द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। यही तो है, बोला जाता है ना कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूरज नहीं ढलता है, एक शब्द है जो ब्रिटिश अपने लिए बोलता था। तो इस हिसाब से बोल सकता है हमने जहाँ जहाँ कॉलोनीज बनाया वहाँ वहाँ राज किए हम, तो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूरज या भास्कर या दिवाकर कभी अस्त नहीं होता। ठीक है, दिनकर दिवाकर याद आ गया बचपन का। देखो इन 1763 अब देखो क्या होता है, अब देखो चेंजेस, सेवन ईयर वॉर्स एंड होते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड इन 1763 कनाडा मूव अंडर ब्रिटिश रूल। हाँ, ब्रिटिश ले लिया कि जीत गया ब्रिटिश। द फियर ऑफ पॉसिबल फ्रेंच इन्वेजन, जो पहले ही बता चुके हैं कि फ्रेंच इन्वेड कर लेगा या अलायंस बना लेगा अमेरिकन के साथ, ये तो बाबू खत्म ही ना हो जाएगा, वहाँ से खदेड़ के भगा देगा उसको। फ्रेंच वॉज नो मोर, पीपल तो रहेंगे मगर जो अटैक जो वो है जो साम्राज्य है गवर्नमेंट गवर्नेंस वो तो फ्रेंच का रहेगा नहीं। नाउ द ट्रू कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल स्टार्टेड बिकमिंग विजिबल, अब दिखना शुरू हो गया कि कौन है ब्रिटिश, क्या करने आया, क्या इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब बाबू असली रूप दिखा रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं तुम असली रूप, शुरू शुरू में तो बहुत हम्बल थे, फीस भरना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब तो तुमको हम ये देखते हो जूता जूता के नीचे रखते हैं हुकूमत नहीं बाबा इतना ब्रिटिश हमको कंपेयर मत करो, हम बोल रहे हैं, अरे नहीं कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग बाबू मोदी जी की तरह झोला उठा के चल रहे, ठीक है ना, हमारा कहाँ है, हमको बाबू अंटार्कटिका भेजो या आर्टिक भेजो, वहाँ पर पेंगुइन के ऊपर आ ही रहे हैं, मुझे बात ऐसा लगता है हम, क्योंकि हमको यही आता है, और जिसमें हमको मारा था हाथी लंका है इधर उधर करेंगे, एक तो भगवान दिए हैं इसी में रहो खाए, जो दूसरा तुम रोजगार जिस दूसरे का मारेगा उनका तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि तुमको दूसरा कुछ आता ही नहीं है, जो बात बोलने के तादी बोल देगा कि बाबू हम बनियागिरी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो अपने आप को तो मल्टी प्रोजेक्ट करवे नहीं करता आदमी को, है ना। मैं सबसे बड़ा पूछूं कि तुमको आता क्या है, तो एक 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 क्रिकेटर को पूछो ना, बोलेगा नहीं बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, फील्डिंग कर लेते हैं, तो ऐसे आदमी कभी कुछ खिलाता ही नहीं, तुमको पता है सिलेक्शन के टाइम यही होता है। बोला कि बाबू स्पेशलिस्ट एरिया अपना देखो, बाद में तुम अपना ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस दिखाना, इसलिए बहुत ज़रूरी है जो अपने आप को बहुत ऑलराउंडर बताता है उसको कुछ नहीं आता है, लिटरली हम तुमको बोल दे रहे हैं, ये लिटरल बात हो गया। क्यों? क्योंकि आपको यदि एक चीज़ संपूर्ण ढंग से आता ही नहीं है तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि आपको दस वो चीज़ आता है, और यदि आप एक चीज़ में माहिर है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दूसरी चीज़ में भी आप अपना योगदान दे के या फिर मेहनत करके बन सकते हैं, समझे ना, ये समझने वाली बात है ना। कितना मज़ा आ रहा है बताओ हमको बताने में, देखो हाँ हमको आए हैं नहीं इंजॉय पूरा इंजॉय कर रहा हूँ मैं ये क्लास को। देखो ये पॉइंट देखो, वो ओल्ड कॉलोनियल रेगुलेशन सच एज नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651 और 1663, ये जो पुराने वाले रेगुलेशन, क्यों क्यों कोमल देखो कब बाबू लड़ाई हुआ था 1763 में, ये बहुत पहले वाला बोल रहा था, क्योंकि 1700 क्योंकि ये जानते हो कि अब चेंजेस आ रहे हैं, नेविगेशन एक्ट तुम्हारा जो 1751 ये 16 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ ये तुम्हारा ये होना चाहिए, रुक जाओ मैं पढ़ता हूँ फिर से। ओल्ड कॉलोनियल रेगुलेशन सच एज नेविगेशन एक्ट ऑफ
something began to enforce strictly. Earlier these were laws only on paper. हाँ, ये 17 होगा, 1751 होगा, समझे ना? 1751 और 1763 वाला होगा. पहले वो पेपर पे ही था, ठीक है, अब उसको इन्फोर्स किया जा रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 16 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिडल ऑफ द वो किया है तो 1750 में तो वो बना ही 13 कॉलोनीज, तो कैसे हो सकता है, बाय मिस्टेक लिखा गया है, रियली सॉरी फॉर दैट. देखो करेक्ट कर लेना हम लोग. अर्लियर दिस वेयर लॉज ऑन पेपर, बता चुके हैं. अब कैसे चेंजेस कैसे आए, नंबर ऑफ न्यू टैक्सेस इम्पोज किया गया अमेरिकन के ऊपर. शुगर टैक्स, देखो वही चीज़ लाया जा रहा है. देखो 1764 यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, तो देखो रिलेट कर दो. उसका करेंसी टैक्स लगा है कोमल, जानते हो 1764 का. उनका स्टैम्प ड्यूटी उसी साल में 65 में. उसके बाद तुम्हारा क्वार्टनरी वाला जो बताए थे 1765 वाला, फिर इनडायरेक्ट टैक्स एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर लग गया 1767 में. दिस टैक्सेस वर मर्केंटाइलिज्म इन आउटलुक, मर्केंटाइलिस्टिक है एटीट्यूड, कमाने का वो विचारधारा है, लूटने का मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है. मर्केंटाइलिज्म क्या मतलब, जानते हो तुम, बताए थे कि वही पॉलिसी है जिसमें बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल पावर को यूज़ करके हम इकोनॉमिक गेन कर सकते हैं, है ना. मदर कंट्री का खाली फायदा हो, वो अलग तरीके से डिफाइन किया था. उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो तुम लोग कि मर्केंटाइलिज्म एक फिलोसॉफी है जो बिलीव करता है कि हम पॉलिटिकल पावर को, पावर से इकोनॉमिक गेन कर सकते हैं, यानी समाज को चला के हम वहाँ पे फायदा उठा सकते हैं. वही बात था उसमें, वही था कि मदर कंट्री को खाली फायदा हो, बेनिफिट हो पॉलिटिक्स का. ये बोले थे कि नहीं बोले थे शुरू में? इसको अलग तरीके से लिखा भी जा सकता है. और ब्रिटेन गवर्नमेंट स्टार्टेड इट्स पॉलिटिकल पावर, जानते हो, ताकि अपना जितना हो सके उतना वो करे, ठीक है, आफ्टर 1763, यानी कि जो सेवन वार वाला हुआ है उसके बाद कोशिश किया है कि जो पहले जो दब चुके थे, जो कॉपी पे सिमट चुके थे, उसको दोहराया जाए, ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. दिस ब्रिटिश मर्केंटलिज्म वॉज कॉन्ट्रेरी टू अमेरिकन लाइन्स बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म. वाओ, व्हाट अ वर्ड. जो ब्रिटिश का जो मर्केंटलिज्म जो पॉलिसी था, वो जो अमेरिकन का जो कैपिटलिज्म वाला फ्री ट्रेड वाला जो सोच था, उसके कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो तो लेजिस फेयर वाला डॉक्ट्रिन का बात करेगा. हाँ, लेजिस फेयर बोलते जहाँ कि मार्केट डिसाइड करता है. अब यहाँ पे बात कुछ और है, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि तुम पढ़ना चाहता है सिविल सर्विस का, अब बाबू हम तुमको पढ़ा रहे हैं एसएससी का, तो कॉन्ट्रास्ट करेगा कि नहीं करेगा? कॉन्ट्रास्ट करेगा कि नहीं करेगा? तुम आया है यहाँ सिविल सर्विस पढ़ने के लिए, ठीक है, और हम तुमको छोड़ो एसएससी छोड़ो, एसएससी तो ऊपर का चीज़ है, सिविल सर्विस तो नीचे का चीज़ है, मगर बाकी की तुलना में ऊपर का चीज़ है. मान लो कि तुम आया है पढ़ने यूपीएससी का और हम तुमको दरोगा वाला पढ़ा रहे हैं, तो बगावत तो करेगा बाबू, और बगावत करना भी चाहिए तुमको. तो यही सब चीज़ हो रहा है. देखो कि अब ये बोलना भी गलत होगा कि टीचर ही नहीं है इसलिए हम दरोगा का पढ़ा रहे हैं, ना दरोगा का होगा ना यूपीएससी का. तुम क्या लगता है, हम दरोगा का बहुत अच्छा पढ़ा देंगे? पढ़ा देंगे, उतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहे. कुछ से कुछ पूछता है, उसका ट्रेंड अलग है ना, ट्रेंड अलग है, तरीका अलग है, रटने वाला चीज़ है, रटाएंगे और रटा हमारे से तो रटने वाला चीज़ खुद नहीं रटते, तुम लोग क्या रटाएंगे. देखो, टिल 1763 देर ऑज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जानते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोई कहकर अपना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वो अपना ही राइज कर रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है. अमेरिकन वर फ्री टू प्रेशर एनी टू परस्यू एनी प्रोफेशन, कोई भी चुनना चाहता है परस्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी अपना प्रोफेशन चुन सकता है. अमेरिकन कंप्लीट इंजॉय कर सकता है कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी लिए जा रहा है. मगर आफ्टर 1763 जो ब्रिटिश मर्केंटलिज्म जो पॉलिसी है बाबू, इसने कोशिश किया कि अमेरिकन को फ्रीडम और प्रॉपर्टी से वंचित रखा जाए, ठीक है कोमल. इस तरह का बात होगा तो बाबू बगावत तो होगा ही होगा, देखते जाओ. दैट इज वाई इट इज कमेंटेड दैट अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 वाज एवेंचुअली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिकन कैपिटलिज्म एंड अमेरिकन मर्केंटलिज्म. इसलिए हिस्ट्री ऑफ समय में ऐसे सवाल करके आ जाएगा तुमको अंदर घुस के कि बाबू अमेरिकन वाला इंडिपेंडेंट कुछ नहीं था, बस ये तुम्हारा मर्केंटलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म था. तो कमेंट करो, ज़्यादा नहीं, 250 वर्ड में 15 नंबर देना है. तो ये सभी पॉइंट बोले हैं, ये सभी पॉइंट है, तो समझ गए भाई बच्चे लोग. अभी तक देखो कितना हुआ है, दो पॉइंट को इतना लंबा खेला गया है. तीसरा पॉइंट देखो, वेल डेवलप्ड नेचर ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. हाँ बिल्कुल डेवलप्ड है अमेरिकन कॉलोनीज, तभी तो इतना ये जो आउटलुक आ रहा है, हाइब्रिड कल्चर वाला आउटलुक आ रहा है, लिबरलिज्म का बात आ रहा है ना, ह्यूमैनिज्म का बात आ रहा है, तो वही तो बोल रहा है यहाँ पे. देखो, बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अमेरिकन कॉलोनीज जो कॉलोनीज थे वेल एडवांस हो गए,
जानते हो माइंड मैप में बता दिया शुरू का, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशो कल्चरली, हर एक चीज़ में संपूर्ण है। तो देखो कैसे इसका, देखो उसका एविडेंस है तुम्हारे पास, इंडस्ट्रीज है, ट्रेड है, कमर्स है, प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर, वेल डेवलप्ड। इनफैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी वॉज नो लेस दैन द ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी का मैच कर चुका है, समझे ना, इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो लेवल डेवलपमेंट का होना चाहिए सभी में बराबर हो गया होता है इतना जल्दी। ऑल द 13 कॉलोनीज वर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेशन, बता चुका हूँ बाबू। देखो आप पहले क्या, देखो नंबर वन पॉइंट ने सजेस्ट किया इकोनॉमिकली कैसे प्रोग्रेस है, नीचे देखो दूसरा पॉइंट तुम्हारा पॉलिटिकली कैसे, तो हर एक चीज़, इसलिए बोलते हैं बच्चे लोग बोलने से पहले सपोर्टिंग स्टेटमेंट होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो देखो सेकंड कैसे बोला कि देखो 13 कॉलोनीज के पास अपना अपना लेजिस्लेचर है, अपना अपना गवर्नर है, तो पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट हो ही गया है, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते थे अमेरिकन खुद ही। द ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर 1763 वॉज लिमिटेड टू द टॉप लेवल ऑफ एंड, गवर्नर को अपॉइंट करने में ही लगता था बाबू अंदर तो खुद चला रहा है काम शुरू में 1763 के बाद में, बाद में तो जानते हो इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा। अ टिपिकल कॉस्मोपॉलिटियन, आप देखो दूसरा क्या बोले बच्चे लोग, इंटेलेक्चुअली, हाँ तीसरा पॉइंट इंटेलेक्चुअली और सोशो कल्चरली, देखो उसके लिए जो पॉइंट आएंगे देखो। और टिपिकल यानी कि गजब का तुम्हारा जो कॉस्मोपॉलिटियन, लिबरल और प्रोग्रेसिव तुम्हारा जो अमेरिकन कल्चर है, ये इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और यही तो कम से कम तुम्हारे एक नए वैल्यूज को क्रिएट किया कि लिबर्टी भी कोई चीज था, और ये तीन जो बेंचमार्क हो गया जाके बाद में जाके किसके लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो तो मैंने पहले बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हुआ था, यहीं से तो निकला है सब चीज, और उसमें और विख्यात हो गया क्योंकि अरे भाई फ्रेंच के एक से एक फिलोसोफर खुद बैठे हुए हैं, मॉन्टेस्क्यू खुद बैठे हुए हैं, रूसो बगल के एक से एक ऑनर हुआ है यूरोप में, जो फिलोसोफर लोग हैं जॉन लॉक, एक से इमैनुअल कांत, कैल्विन, जुइनली, मार्टिन लूथर, अब क्या बोले, ये तो सर को दिया दिखाने वाला बात हो गया ना, ये तो खुद एक से एक होशियार फिलोसोफर है वहाँ बैठा हुआ अमेरिका। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, Americans had absorbed ideas of enlightenment, पचा लिया था वो जो कि तुम लोग नहीं बचा पाए, ठीक है ना, पचा लिया। They knew very well that the laws enacted by a parliament were applicable only to the, क्या है तुम्हारा, ट्रस्टी टाइम्स रिप्रेजेंटेड इन इट, हाँ टेरिटोरीज रिप्रेजेंटेड इन इट, बोला है कि Americans ने पचा लिया यानी कि एक्सेप्ट कर लिया अच्छी तरीके से ideas of enlightenment, और वो जानता था कि जितने भी लॉज पार्लियामेंट बना रहे हैं वो टेरिटोरीज अप्लाई होगा, तभी अप्लाई हो सकता है जब हम रिप्रेजेंट करें, जो यानी हमारे ऊपर जब कोई लॉ लगाइएगा तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है आपके पार्लियामेंट में, ऐसे नहीं लगा सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लिया ये सब ये पढ़ लिया, अकाउंटेबिलिटी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सब पढ़ के बैठा हुआ है सब, ये इसीलिए तो बोलते हैं बाबू पढ़ लिख के विद्वान बन जाओ, बगावत कर दो इस तरह, तो यही बगावत हुआ। देखो इसलिए देखो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला बात आएगा यहाँ पे, देखो दैट इज वाई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस अमेरिकन ऊपर लगाए तो बोले कि हम पे नहीं करेंगे भाव, और जेम्स ऑस्टिस जो बोले थे इन्होंने एक स्लोगन का रचना किया और बोला कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और ये स्लोगन गजब का स्लोगन बन गया जो कि बाद में जाके अमेरिकन रेगुलेशन का अंग बन गया, सबका साथ सबका विकास अंग बना के नहीं बना मोदी जी के। वेरी सुन, अब बहुत बाद में, बहुत जल्दी क्या हुआ, अदर फिलोसोफर बैठे हुए हैं, बोले थे तुम लोग को, थॉमस पैन साहब बैठे हैं, पैट्रिक हेनरी बैठे हुए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन बैठे हैं, थॉमस जेफरसन बैठे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन बैठे हैं, वो सीन पे आए, पर्दे पे आए और लीड किया, यस लड़ेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हटाएंगे, यहाँ से निकालेंगे, दिस डेवलपमेंट कल्मिनेटेड, और ये डेवलपमेंट यहाँ पे आके बैठ गया कि इंडिपेंडेंस के लिए वो शुरुआत हो गया अप्रैल 1775 में, और आगे बढ़ा तुम्हारा और जुलाई 1776 में जाके शुरू कर दिया कि हाँ हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, और उसके बाद जानते हो कितने बैटल्स हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं, बाद में जाके 1783 में जाके मिल गया आज़ादी। होप्स हो बच्चे लोग को समझ में आ गया होगा, तो एक पेज बाबू जो बताए थे उसी का लिखा है, ठीक है,
अब मैं दूसरा चीज़ तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या है, ये माइंड मैप के तौर पे फिर इसको पढ़ेंगे इसी तरह। देखो कि इमीडिएट क्या ऐसा चीज़ हुआ जिसके वजह से इतना जल्दी विद्रोह हो गया। देखते रहो कि जो बाबू टी पॉलिसी जो था ना उस समय का जो पीएम थे नॉर्थ ग्रुप 1773 में जब लाया गया था तो ये इमीडिएट ट्रिगर कर भाई वो चाय सब पिएगा, अभी तुम देखो बिस्कुट सब खाएगा, कंज्यूमर है कि नहीं है। अब तुम कोलगेट कल तक तुम 10 रुपया में ले रहा था और अचानक अभी 18 रुपया 20 रुपया हो गया, झटका मार देगा माथे पे, क्योंकि रेगुलर चीज़ है वो। और वो चलो कोलगेट तो एक बार लाया तो चलो ठीक है, टी तो उससे भी खतरनाक चीज़ है, रोज़ का चीज़ है और रोज़ का चीज़ है, वो चाहिए। कोलगेट तुम्हारा 20-25 दिन में ख़त्म होता है, टी का पैकेट तुम्हारा एक हफ्ता के अंदर ही खत्म हो जाएगा, तो इसका भी समझो। यानी कि और जो कंज्यूमर है और टी का हैबिट है, वर्ल्ड में हैबिट है, कॉफ़ी को तो बहुत सरपास किया है टी ने अच्छे से वर्ल्ड में, देखोगे पूरा तो टी ज़्यादा पिया जाता है कॉफ़ी से, ठीक है ना। और लोग को भले ही लगे कि कॉफ़ी स्टैंडर्ड है तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के लोग बढ़िया से दार्जिलिंग टी पीते हैं, तभी तो जी आई टैग है बढ़िया से, वेयर इज फ्रॉम दार्जिलिंग, रिलैक्स एक बार लाओ, जी आई टैग है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है दार्जिलिंग टी, तब ना यहाँ लोग कमा रहा है दार्जिलिंग में बैठ के, जी आई टैग है। तो जी आई टैग बनना जैसे बासमती वाला बना था, जानते हो तुम लोग। तो अब देखो क्या हुआ, इमीडिएट वही टी पॉलिसी, टी वॉज कमिंग फ्रॉम चाइना, जानते हो चाइना में बहुत बड़ा ट्रेड है, चाइना सी सी चाइना टी, लेकिन चाइना जो ट्री, अब वही ओपीएम वाला कहानी याद करो कैसे उसको ऑपियम पिला के फिर ट्रेड करवाता था। तो टी वॉज कमिंग फ्रॉम चाइना एंड ट्रेड डन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जानते हो कमिंग टू इंडिया जो आया है बाद में, जानते हो अभी, जानते थोड़ा सा कोशिश किया है जोड़ने का तुम्हारा हिस्ट्री को, ठीक है, इंडिया को। और लंडन में जाता था बाबू, जानते हो बताए थे, वो कैंटन वाला हमारा जो कैंटन वाला उधर खुला हुआ था, हमारा जो पटना से हॉपी मूवी में जाता था, जानते हो स्मगल्स डायरेक्ट टू चाइना। अब देखो डायरेक्ट चाइना टू अमेरिका, मगर स्मगलिंग होता था कि टी जो है वो डायरेक्ट तुम्हारा कहाँ आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है, हाँ डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि अभी इंडिया कॉन्टेक्ट में पड़े थे और स्मगल हो रहा है, मगर ब्रिटिश चाहता था कि नहीं वो हमारे अंदर हो, टी वाला, क्यों टी वाला कर दिए तो और कब जा लेंगे, वहाँ स्मगल होकर जा रहा था, टैक्स लगेगा उसके ऊपर। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉब्लम में फंस गया, यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, याद करो सब हमारा उधर से जोड़ो, देखो इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया था, क्या वाह बड़ा पॉइंट। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर टी पॉलिसी देखो क्या बोला, अलाउड टू हैव डायरेक्ट टैक्स तुम्हारा डायरेक्टली टू अमेरिका, बोला कि ठीक है अमेरिका को देंगे इतना टैक्स रेट 10% का होगा, ठीक है 10% के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिकन को देगा चाय चाय पत्ती। 16 December 1773 को क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रिच बोस्टन, बोस्टन टी पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी देखो ये लोग। 1774 में सीरीज ऑफ लॉज आए जो कि इंटॉलरेबल लॉज थे, हाँ याद आए तो उनको मैसेजेट्स किया हुआ था जहाँ पे बोस्टन लोकेटेड है मैसेजेट, जानते हो। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ, जानते हो असेंबली हुआ डेलीगेट्स का, वही 13 colonies में 12 colonies आया था कोमल याद है। उसके बाद तुम्हारा अप्रैल 77 फिर तुम्हारा ब्रिटिश स्टार्टिंग सेंडिंग ट्रूप्स, भेजो उसको घेरो उस जगह को, फिर ओलिव ब्रांच वाला हुआ देखो वाह देखो, उसके बाद 4 July 1776 को प्रोक्लेम किया अमेरिकन इंडिया। देखो तो हल्का हल्का जान लिए, अभी इस चीज़ को मज़ेदार तरीके से जानने का प्रयास करो कि टी पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेटेड किया था और उस समय के जो ब्रिटिश में के जो पीएम थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये इमीडिएट ट्रिगर है जी कि जिसके वजह से अमेरिकन को जाना पड़ा इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, या कमिशमेंट ऑफ अमेरिकन रेगुलेशन बात है की होता है। 1773 में क्या हुआ ऐसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज इज ट्रेडिशनल टी पॉलिसी टू हेल्प क्राइसिस। अब देखो यहाँ तुमको समझना होगा, वो तो माइंड मैप का तो हल्का ही बताएंगे तो इसमें डिटेल होगा बात। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि जो ट्रेडिशनल टी पॉलिसी है उसको थोड़ा चेंज किया जाए, क्या है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो फंसा हुआ है कर्जा में उसको थोड़ा राहत मिले, एक जगह कहीं सुधारते हो तो दूसरी जगह फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो वही क्राइसिस में जो फंसा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी उसके लिए हम थोड़ा टी पॉलिसी पहले वाला चेंज करेंगे। द कंपनी वॉज अलाउड टू कैरी इट्स ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम चाइना टू अमेरिका, ठीक है आपको सशक्त बनना है, कमज़ोर है आप, फाइनेंशियली वीक है, हम आपको देते हैं जाइए आप चाइना से लेकर चले जाइए, आप करिए आपका पैसा कमाइए, मगर आपको एडिशनल ड्यूटी देना होगा, ये तो है ऐसे कैसे छोड़ेगा, बोले चमड़े अपने भाव के नहीं होते,
सोचो ना इससे मतलब है, और फिर भी ये भी तो देना बड़ी बात है ना। दिस चेंज रिड्यूस द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द टी। अब इससे क्या हुआ कि भाई लागते जब महंगा होगा तो पहुंचने में महंगा हो जाएगा वहाँ, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, दिस चेंज रिड्यूस द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ टी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेटली। अब देखो वो चीज़ तो हुआ, मत क्या हुआ कि ये जो फेवरेबल कंडीशंस जो अप्लाई किया गया ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं राहत हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को निकलने से, फाइनेंशियल करंट जो हुआ था उसे निकलने में। इससे क्या हुआ कि जो लैंडिंग कॉस्ट है टी को लाने से और जाने से, लाने जाने में जो है वो कॉस्ट घटा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। प्रीवियस वन क्या था कि अलग तरीके से ज़्यादा लगता था, समझे ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे बहुत फायदा हुआ। दिस न्यू टी पॉलिसी कट इट्स प्रॉफिट्स ऑफ अमेरिकन ट्रेडर्स। मतलब अमेरिकन ट्रेडर्स को हुआ कि जो मिडल मैन नहीं खा पाएगा, जो अमेरिकन ट्रेडर्स है उसको नुकसान हुआ, जो कि टी डायरेक्टली चाइना से लाता था। क्यों, अब इसका बंद कर दिया रास्ता, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दिया कि ठीक है आप करो ना जाओ ना। अब पहले अमेरिकन लोग खुद जाता था चाइना लाने के लिए, तो इसका तो व्यापार मार दिया आप, समझिए बात को, इधर गदगद हो गया ये कौन ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर बेचारा इसका ले लिया, इसका एम्प्लॉयमेंट छीन लिया यार, समझो। व्हेन फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैरिंग टी रीच्ड बोस्टन पोर्ट, मैसेचुसेट्स में जो है जो पहली बार पहुंचा बाबू, व्हेन फर्स्ट शिप ऑफ पहला शिप ईस्ट इंडिया कंपनी टी ला रहा है, वाला करते हुए आ रहा है, और ग्रुप ऑफ अमेरिकन लेड बाय सैमुअल एडम्स वो बोस्टन पोर्ट आए और बोले काजी फेंक देते हैं इसको, यही बोस्टन टी पार्टी एक्चुअल में। इसके अंदर इतना कुछ है क्योंकि टी बोले थे ना बढ़ाया था, टी पे टैक्स लाया था, ये है एक्चुअल में रीजन, उसे पीछे था अंदर था, काहे लाएगा हम दूर करेंगे, हमारा रास्ता था तुम हमारा इम्प्लीमेंट करेगा और तुम्हारा टी फेंक देंगे जाओ, समझे ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनएक्टेड अ सीरीज ऑफ हार्श लॉस, जानते हो इंटॉलरेबल एक्ट लेके आया 1774 में, ताकि वो मैसाचुसेट्स का जो कॉलोनी है उसको, जहाँ पे बोस्टन पोर्ट है उसको पनिश किया जाए। कौन है ये, कौन किधर भक्की दे रहा है जी ब्रिटिश को, क्या हम किए, हमारा अपना मर्जी है भाई, सब मैसेजर को बंद करवा देंगे, हैवी ट्रूप्स लगवा दिया वहाँ पे लॉस। थ्रू दिस लॉ क्या हुआ, सेल्फ गवर्नमेंट इंजॉयड बाय मैसेजर वाज टेकन अवे, जो वहाँ पे गवर्नर रूल था लेजिस्लेचर था उड़ा दिया उसको, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन मैसेजर के कॉलोनी में लगा दिया वहाँ पर जहाँ पर बोस्टन था, यानी कि उसको पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इंटॉलरेबल एक्ट टेरिफाइड ऑल एनिमी, बोला कि आज इसके साथ कर रहा है कल हमारे साथ करेगा, तो एकता की आवश्यकता है, समझे, समझ समझ में आ रहा है ना। इमेजिन करो क्या क्या हो रहा होगा, सब ऐसे एकदम बाइनोकुलर में देख रहा है इससे, अरे अरे। देखो इन अप्रैल 1775 ब्रिटिश फोर्सेस स्टार्टेड अराइविंग इन अमेरिका to enforce the harsh regulation imposed by British government immediately. अब क्या हुआ देखो कि 1775 में इतना कुछ regulation ऊपर से British parliament से किया जाए, उसको implement करने के लिए British force आ रहा है, धराधर आ रहा है सिर्फ, ठीक है, खुन्नस खा गया ये लोग, revolt हो गया। तो जो immediate reason ये है कि Boston Tea Party हुआ, फिर मैसेचुसेट्स घेर लिया गया, फिर troops आए बाहर से heavy mobilization के लिए, लगा ये क्या है भाई, अच्छे जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भेजा गया वहाँ पे भेजा गया, देखो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेजा गया, वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझा नहीं पाया, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ नहीं पाया, क्योंकि वो तो एटीट्यूड में ना, ये क्या करेंगे, ये हमको दे रहा है सही बना है, उड़ेगा हवा में उड़ेगा, और बाद में ले लिया इसका ये, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट फिर से किया गया कोमल, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट वॉज मेड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वॉर, बट जो आउटब्रेक होने के बाद भी सेकेंड अटेम्प्ट कोशिश किया गया कि नहीं खत्म किया गया भाई, जो भी है तो यही लोग ना ब्रिटिश लोग ना, हम कोशिश करेंगे, अब कोशिश अब कामयाब नहीं होगा तो आगे तो है ही रास्ता, तो सेकेंड अटेम्प्ट फिर से कोशिश किया गया, ठीक है, आउटब्रेक होने के बावजूद भी मैं ये भी फेल कर गया,
अंडर दिस सर्कमस्टांसेस डेलीगेट्स ऑफ सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो कि 1775 से 81 तक जो चला है, ये ऑन 14th जुलाई 1776 को ठीक है प्रोक्लेम कर दिया कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस हो गया, अमेरिका इंडिपेंडेंस जाओ भागो, अब लड़ेगा यानी कि आज़ाद हम घोषित कर दिए तो लड़ेगा वो आके आप लोग दिखा देंगे इसको। विद दिस प्रोक्लेमेशन द वार विद ब्रिटेन बिगन ऑफिशियल, अब ऑफिशियल हो गया, अब जो लड़ाई होगा ऑफिशियल हो गई, अब कोई पीछे अंदर का किधर भक्की नहीं होगा, अब लड़ो हमसे, हमने दे दिया। और ये 1786 तक का वो चला है ठीक है, और बीच में ना जाने क्या क्या नहीं हुआ है ना। तो देखो अब क्वेश्चंस हैं तो मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा। देखो पर ये लोग क्वेश्चन की किस तरह सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन, देखो मैं अच्छे से पढ़ता हूँ समझने का प्रयास करना तुम लोग का दिमाग कितना तैयार हुआ है इसके लिए, तो देख लो। एट द न्यूज़ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्राउड गैदर टू चीयर फायर गन्स इन कैनन, खूब खुशी है सबको, रिंग चर्च बेल इन फिलाडेल्फिया रिंग बज रहा है, इंडिपेंडेंस हो गया, देखो ये सब हो रहा था वहाँ पर सोसाइटी में, बोस्टन एंड अदर प्लेसेस जो एक्टिव प्लेसेस थे, बट देयर वर मैनी इन अमेरिका हु डिड नॉट रिजॉइस। हाँ देखो पूछा कैसे सिविल सर्विस में, बहुत अमेरिकन अभी भी जो मजा नहीं आया, हाँ तुमको क्या पढ़ाया गया क्या पूछता है कुछ, क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा कैपिटलिस्ट क्लास लोग है बैठा हुआ है, दबा कर बैठा हुआ है। हाँ देखो इसका आंसर हल्का बताएं कि बाबू देखो जब इतना पढ़ाने के बाद जब तुमको नहीं आया आंसर ये बताना चाह रहे थे वहाँ से, सुनो सुनो मेरा समझो कॉन्टेक्स्ट समझो, अभी तक तो इसके बारे में नहीं चर्चा हुआ है, तुम गधा यही बच्चा लोग तुमको बताना चाहते हैं कि जो चीज़ तुमको नहीं आता है कैसे तुम लिखोगे, सिंपल सी बात है, इतना कुछ आया तो एक भूमिका तो खुद ही बांध ही सकते हो है ना, और ऐसा भूमिका खूब बांधना होगा तुम लोग को, क्यों भाई सिविल सर्विस है भाई, अनप्रिडिक्टिबिलिटी है, ऑप्शन भी उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है क्वेश्चन पूछने का। देखो आंसर क्या होगा, देखो बच्चे लोग देखो, इधर बैंकर्स ने इतना इन्वेस्ट कर दिया ब्रिटिश मार्केट में इसका, वो खुश नहीं होंगे अमेरिकन वाले, क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी इन लोग का आगे निकल चुका है, क्यों कुछ हो गया तो भाई इसका तो डूब गया ब्रिटेन में। नंबर वन लैंडलॉर्ड्स कंसर्न है भाई, जमीन है इसका, कुछ हो जाएगा भाई छीन जाएगा समझे, और माइनॉरिटी जो फ्रेंच है पोर्टुगीज वो तो कभी खुश नहीं होंगे, वो दबाया जाएगा फिर, तो ये सभी चीज को ऐड करना था तुम्हारे पॉइंट में, इसी को घुमा देता हूं। हाँ बिल्कुल 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 बोल सकते हो, इस तरह तुमको आइडियाज लाने होंगे, स्लेव्स खुश नहीं होंगे ये भी बोल सकते हो, सोचेगा कि और हमको दबाया जाएगा। यस सर, तो देखो बाबू ये जो क्वेश्चंस है इसका आंसर हम तुमको देते हैं ठीक है, ये इसका आंसर हम तुमको देते हैं कैसे लिखोगे, देखो ये क्वेश्चंस का आंसर तुमको हम देते हैं कैसे लिखा जाए। देखो व्हेन अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 4th जुलाई 1776 मोस्ट ऑफ अमेरिकन सेलिब्रेटेड बाय रिंगिंग बेल, हाँ इसका आंसर देखो लिखने का तरीका बाई तुम्हारा ये गन्स इन कैनन फायर करके ठीक है, बट अराउंड 15-20% अमेरिकन जो पॉपुलेशन थे वॉज डेट ऑफ लॉयलिस्ट जो नहीं चाहते थे वार हो, दे इन फाइट टेरिफाइड डर गए, इंडिपेंडेंस कर दिया भाई कोई बात हुआ हम तुम लूट जाएंगे मर जाएंगे, इस तरह का बात हो रहा है ठीक है। लॉयलिस्ट कौन कौन थे तो देखो बाबू, फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइग्रेंट्स हैविंग फैमिली मेंबर्स इन ब्रिटेन, जो पहली बार आया था और इसका पूरा ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है वो घबरा गया, अरे बाबू कुछ हो जाएगा तो उधर मेरा आदमी लोग परेशान हो जाएगा, इस तरह की सोच। तो उसमें देखो अमेरिकन जो तुम्हारे जो भी थे बैंकर्स थे हु हैड इन्वेस्टेड हैविली इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश मार्केट वो परेशान हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन वाले लोग परेशान हो गए, सेकेंड जो अमेरिकन बैंकर्स है वो परेशान हो गए, जो लैंडलॉर्ड्स है उसको डर है कि जो स्पीड ऑफ लिबर्टी है ठीक है ये कहीं ना कहीं स्लेब्स को बाद में जाकर दिक्कत देगा, और स्लेब चाहिए चाहिए प्लांटेशन के लिए, समझ रहे हो ना, यही हुआ है, और ये सिनेरियो कहीं ना कहीं प्लांटेशन इंडस्ट्रीज के लिए डिस्ट्रक्टिव है, समझ गए ये लॉयलिस्ट लोग ऐसे वाले लोग हैं। अब देखो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए वेल डेवलप्ड ओल्ड जनरेशन जो थे जो पहले वाले विचारधारे वाले थे जो आके बसे हुए थे पहले वो बोले थे ना हम नहीं लड़ना चाहेंगे हम अगेंस्ट रेवोल्यूशन का, क्यों क्योंकि वो पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जैसा ठीक तो है हमारा ही तो भाई लोग है ठीक है। नंबर वन माइनॉरिटीज अप्रिहेंशन थे कि डैट इन डेमोक्रेटिक अमेरिकन देयर वॉइस में गो अनहर्ड,
वही जो बोले हो तुम अभी माइनॉरिटी का, कहीं वॉइस अमेरिका जब पूरा रूल करने लगेगा तो कहीं हमारा वॉइस ही नहीं सुने। अभी तो कम से कम ब्रिटिश लोग तो सुनता तो है सबका, ताकि ये भी तो कॉलोनी, ये भी वही है, हम भी वही है, सबका सुनता है, नहीं तो पहले बाद में डोमिनेट कर लेगा ये लोग अकेले। अराउंड 15% ऑफ दिस लॉयलिस्ट लेफ्ट अमेरिका व्हेन द वॉर एंडेड। देखो गजब बात है, ये 15% लोग छोड़ के चले गए अमेरिका, बोले कि अब नहीं जी सकते यहाँ पीस को ले, तो फिर बाद में ये लोग हमको दबाएंगे। तो सम ऑफ देम मूव टू, कुछ लोग कैनेडा चले गए और कुछ कुछ ब्रिटेन लौट गए। इस तरह तुम्हारा पहला क्लास, देखो मैंने एक दिन का तुम्हारा 2.5 घंटा का मैंने कवर कर दिया है, देख लो वहाँ पे तुमको प्रमाण है कि सेकंड वाला तुम्हारा फ्राइडे है, यानी कि इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू। और मगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस छोड़े थे ऊपर, होप सो तुम लोग पता होगा क्यों, क्योंकि भाई कुछ आएगा तब ना क्वेश्चन लिखेगा तुम लोग। अब देखते हैं बच्चा लोग तुम लोग कितना आता है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है जी, हाँ ऊपर ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाओ, फर्स्ट जो माइंड, हाँ ठीक है। तो ये करते तब जाकर हम कंप्लीट कर लेंगे, तब कहेंगे कि हम एक दिन का फुल कंप्लीट कर लिए। देखो मैं पढ़ूंगा बच्चे लोग, आप बताना। देखो पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन रेगुलेशन, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेगा कि अमेरिकन रेगुलेशन वॉज अ नेचुरल एंड इवन एक्सपेक्टेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल पीपल हु हैव कम अ एज कमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत नेचुरल चीज था और ये उम्मीद किया जा रहा था कि ऐसा होता होगा, कॉलोनियल पीपल लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, ये नेचुरल था जो आए थे, ठीक है। तो इसमें वही बोलोगे कि मैच्योर थे वो लोग, इतना मैच्योर थे कि नया दुनिया देखना चाह रहे थे, सभी वही चीज़ है, उसी को तुमको बढ़िया मिला कि उसका वही इकोनॉमिकली एजुकेशनली कल्चरली एक्सलेंट, वही सब पॉइंट लिखना है इसमें, वही पूछा जा रहा है। द मोस्ट अमेरिकन लिविंग इन 13 colonies वेर ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन बट स्टिल अ रेवोल्यूशन ब्रोक आउट, नहीं मतलब वही लव और अफेक्शन नहीं था आंसर, आंसर वही तो है, सब ब्रिटिश ओरिजिन थे फिर भी वार हो गया उसके अगेंस्ट, क्यों? क्योंकि बोल दोगे यही जो आया था भाई खुशी खुशी नहीं आया था, इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से आया था, प्रिजनर बन के आया था, लोग डर से आया था कि चर्च और स्टेट कहीं दबाना दे कुछ अपना दे उसको, इसलिए आए थे, जब आए थे बैड एक्सपीरियंस लेके आए हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन सीम टू हैव विथ रिमार्केबल सडननेस अ रोस्टर ऑफ टैलेंटेड लीडर्स, ठीक है, रोस्टर मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ टैलेंटेड लीडर्स इमर्ज ड्यूरिंग 1763 टू 1775 टू मेक इट हैपन इलुसिडेट। क्या वाट अ क्वेश्चन, देखो इसमें पूरा फिलोसोफर का पूछ लिया तुमको घुमा के कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ऐसा लगता है कि गजब का अपने आप अचानक हो गया है, और उसमें जो फिलोसोफर के जो लिस्ट है वो बहुत प्रोमिनेंट 1763-77, तो अब इसको आप एक्सप्लेन करो, इसको बढ़िया से रखो, लिख देगा बाबू जॉन लॉक साहब लिख देगा, तो ये तुम्हारा जेम्स फ्रैंकलिन लिख देगा, तुम थॉमस पेन लिख देगा, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन लिख देगा, वॉशिंगटन लिख देगा, बात खत्म हो जाएगा, वो भी तुमको नंबर लिख देगा, अच्छा लिख देगा तो भी अच्छा नंबर लिख देगा, और इस तरह तुम्हारा सिविल सर्विस में अच्छा नंबर लिख देगा तो तुम कलेक्टर बन जाओगे, जो बात है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास।